हेलो एवरीवन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आपकी क्लास शुरू हो गई, जैसा कि आप जानते हो आज बड़ी ही महत्वपूर्ण और दमदार क्लास होने वाली है। और ये क्लास जो है ना, बहुत लंबी खिंचेगी अगर आप लोगों की संख्या अच्छी बन गई तो। पूरे 3 घंटे हमने निश्चित किया है कि जो बच्चे पेमेंट करके क्लास नहीं ले पाते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, आखिर उनकी मुसीबत है वास्तव में मैथमेटिक्स का डर है और वो मैथ नहीं सीख पाते किन्हीं भी कारण से, तो उनकी ये समस्या आज एक ही दिन में दूर हो जाए। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी इस क्लास को लाइक कर देना है और अपने साथियों में खूब शेयर कर देना, फैला देना है। अनंत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा प्रजापति, अंकिता सिंह, आदित्य एजुकेशन और सूर्यांश जी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने परिवार PVR स्टडी में। बच्चे हम लोग 2 मिनट वेट करेंगे, सिर्फ 2 मिनट वेट करेंगे आप सभी के जुड़ने का। आप लोगों के पास समय है, आपसे निवेदन है 2 मिनट इंतज़ार करें साथियों के आ जाने का। बिल्कुल, पूजा कुमारी भी जुड़ चुकी हैं, अनंत भी जुड़ गए भाई, अंकित द्विवेदी भी आ गए हैं, लगभग पूरी टीम तैयार हो रही है। और फिर हम बढ़ते हैं आज ये लंबे सफ़र की तरफ। तब तक हम दूसरे चैनल पे भी लाइव कर देते हैं क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे साथी इंतज़ार कर रहे हैं और उनका ये इंतज़ार जो है ना वो गड़बड़ ना होने पाए। हाँ, आ जाओ जल्दी से। नेहा प्रजापति भी जुड़ गई, अर्पिता सिंह भी जुड़ गई भाई, सोनू यादव और कुछ नए बच्चे भी जुड़ गए हैं, तो हम लोग आगे चलेंगे। बस 2 मिनट वेट करिए, जैसे ही सभी साथी आ जाएं वैसे हम लोग चलते हैं। भाई सभी ये बताओ पहले कौन कौन कहाँ से आए हो, बहुत बहुत दूर से बच्चे जुड़ते हैं, पूरे ऑल इंडिया से है ना, तो सभी बच्चे शेयर कर दो यार जल्दी से अपने दोस्तों में, शेयर कर दो बाबू, ठीक है, सभी शेयर कर दो फटाफट फटाफट शेयर कर दो, देर ना करो भाई, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो बच्चे, सभी बच्चे शेयर कर दें, खूब खूब शेयर कर दो, ठीक ना। हाँ तो आ गए सभी, आ गए सनी पांडे, आप भी जुड़ गए, दीपक कुमार झारखंड से, चलिए। हाँ तो बच्चे जो भी चैनल नंबर 1 पर इंतज़ार कर रहे हैं वो भी आ जाएं, ठीक है, कोई बात नहीं। चैनल नंबर 3 पे आपकी क्लास शुरू हो गई है बाबू, जहाँ पे आप हो वहीं पे भी पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं। टेक्निकल मान आप भी यहाँ पे वेट कर रहे थे, ठीक है। उर्मिला मौर्या और भी बहुत से बच्चे जो चैनल नंबर 1 पे इंतज़ार कर रहे हैं पहले से, जैसे कि भाई कौन कौन है, बड़े अजीब अजीब से नाम है इनके, तो चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन संख्या नहीं अभी बड़ी, संख्या नहीं बन रही, मतलब क्या कैसे होगा भाई, शेयर करो यार सभी बच्चे जल्दी से, फटाफट शेयर करो ना, जल्दी करो, चलो शुरू हो गया ना भाई, जल्दी शेयर करो, बच्चे नहीं जुड़ेंगे तो कैसे मजा आएगी। अच्छा ठीक है, एक छोटा सा सवाल बताओ आप लोग, आज हम लोगों को पढ़ना है बेसिक मैथमेटिक्स, तो किस क्लास की शुरू करें, कक्षा 5 की, कक्षा 6 की, 8 की, 9 की, कितने क्लास की शुरू करें भाई? आपका मैं नाम ही नहीं बोल पाऊँगा और बड़ा अजीब सा नाम है इनका, नाम भैया लिल चंप। अब लिल चंप बोलूँगा तो इसका लोग मतलब पता नहीं क्या निकालेंगे। हाँ तो 9th क्लास से, हाँ तो बच्चा देखो ये बेसिक मैथ सीखने वालों के लिए है, तो इस वजह से आज आपकी 9th की क्लास हो सकता है इसमें मतलब कवर हो जाएगी, क्योंकि 6 से 9 ये चलेगी, बाकी आपकी 9th वालों की शाम को चलती है 7 बजे बच्चा क्लास, 9th की जो मैथ है शाम को 7 बजे चलती है, ठीक है। चलिए अंकित जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, तो हम लोग शुरू करें भाई, क्लियर आ रहा है इसमें, बोलो जवाब दो, एकदम क्लियर दिख रहा है ना, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए तो हम एकदम छोटा सा सवाल से स्टार्ट करेंगे, एकदम छोटा सा सवाल से और फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चे आ जाएं जल्दी से, अभी 4 मिनट हुआ हम लोग को वेट करते हुए, इसमें तो भाई 1 ही मिनट हुआ है, तो बच्चे जब तक पूरे नहीं जुड़ जाते तब तक मज़ा नहीं आती बाबू, ठीक है, और मज़ा नहीं आती क्लास में तो फिर आप जान ही रहे हो अच्छा नहीं लगता ना, तो इस वजह से क्लास में मज़े आने चाहिए, जब बच्चे खूब जुड़ जाएंगे तब मज़ा आएगा, एकदम बेसिक से चलेगा, एकदम जीरो से चलेगा, ठीक ना। चलिए तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे सर्कल, वृत्त शुरू करेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई, वृत्त, क्योंकि कुछ नया हो जाए ना, रोज़ रोज़ वही पुराना पुराना ढकेले पढ़ें मज़ा नहीं आता है ना, वही पुराना पुराना रोज़ पढ़ते हो मज़ा नहीं आता है। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे पहले वृत्त, इधर साइड दिख रहा है ना, क्लियर, ठीक है। तो ये बताओ आप लोग मुझे एक सवाल है, ये है एक सर्कल,
जिसे वृत्त बोलते हैं, इस बीच वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? इसमें आप लोग को पता है क्या बोलते हैं इसको भाई? इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं बच्चा? जो बीच में बिंदु होता है उसे केंद्र बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में सेंटर कहा जाता है। बहुत ही ध्यान से समझो। और ये जो चारों तरफ घूम रहा है, ये जो चारों तरफ होता है, इसको क्या कहते हैं पता है आपको? जल्दी बताओ, जो बच्चे जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इससे संबंधित सारे डाउट क्लियर करूँगा। तो इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं। ऐसे कुछ होता है ना, बात क्लियर हो रही ना? ठीक है, इधर साइड भी क्लियर हो रहा है। उजाला मौर्य, अनंत भाई, बच्चे आप लोग जानते हो तो चैनल नंबर एक पे काहे बैठे हो भाई? आ जाओ तीन नंबर पे ना, सभी इकट्ठे हो जाओ, अच्छा लगेगा। हाँ, अब ध्यान देना यहाँ पे, मैं थोड़ी रंगीन पेन ले लूँ एक, तो ज़्यादा मज़ा आएगा थोड़ा सा। देखो, अगर इस रेखा को इससे मिला दिया जाए, परिधि से केंद्र को, तो ये रेड कलर वाली रेखा क्या कहलाएगी बताइए? रंजीत कश्यप, आप बताइए बाबू, चलो क्या कहलाएगी पता है? देखिए, प्रियंका सिंह ने जवाब दे दिया, बहुत अच्छे। तो भैया, जो केंद्र से परिधि को रेखा मिलाती है उसको त्रिज्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस बोलते हैं। और यहीं पर इनकी कहानी ख़त्म नहीं होती है। अगर इसको हम केंद्र को ओ मान लें, इसको ए मान लें, और ये रेखा खुदा ना खास्ता पार होती हुई यहाँ तक आ जाए, बी तक, तो पूरी रेखा ए बी क्या कहलाएगी? पूरी रेखा कम्प्लीटली ए बी क्या कहलाएगी? तो बच्चा, पूरी रेखा की अगर बात करेंगे ए से बी तक की, तो ये डायमीटर कहलाती है। मानसी शर्मा, गलत है, व्यास नहीं होता, ये जीवा नहीं होती, जीवा नहीं होती, गलत है आप लोग का बच्चा, ये व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है, जो त्रिज्या का दूना होता है, जिसको डायमीटर बोलते हैं। जीवा समझो अभी क्या होता है। जीवा देखो, ये जीवा है, मतलब वृत्त के भैया जो परिधि है, एक तरफ से दूसरे तरफ मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वो जीवा कहलाती है। लेकिन वो केंद्र से होती हुई ना जाए, मतलब वो कहीं से भी जाए बट केंद्र से ना जाए, ठीक है? यम के रोमांटिक जी, भैया कुछ करे हो गया आप, ऐसा इसलिए नहीं जा रहा होगा, तो इसमें हम क्या करें? चलो ठीक है, इतना बात समझ में आया। सभी बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक करो बाबू, बहुत जल्दी करो, संख्या जोड़ नहीं रहे हो आप लोग, मज़ा नहीं आ रही, जान लो, बस बिना मन के पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग क्लास को शेयर कर दो, संख्या जुड़ जाए तब देखो, अगर आप लोग इसको कर दो तब देखो। हाँ भाई, मज़ा नहीं आ रही, बस ये जान लो, इतनी कम संख्या में कहाँ मजा आएगी। चलो देखो, आप ध्यान देना, ये जो PQ है, ये जीवा है, जिसे इंग्लिश में CORD बोलते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं इसको, ये जीवा है। लेकिन और ध्यान दीजिए, अगर AB की बात करें तो ये जीवा नहीं है। जैसे एक बात और यहाँ पे क्लियर कर लो, अगर मैं एक रेखा ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे, बोलो ये जीवा है कि नहीं, यस या नो, जवाब दो। अगर मैंने खींचा यहाँ पर, भैया ये रेखा है, मैंने खींचा XY, अब ये बताओ XY जीवा है कि नहीं, बोलो XY जीवा है या नहीं है, यस या नो? बिक्की राज का आंसर आ गया भाई, और कौन? एनीवन? जीवा है कि नहीं, बोलो क्या है, आपको क्या लगता है, वो जीवा है कि नहीं है, है? बताइए, जवाब दीजिए, क्या है? तो बच्चा देखो, ये जीवा है, हाँ, XY क्या, ये जीवा है, क्लियर कर लो सारा डाउट। लेकिन अगर मैं एक रेखा ऐसे खींचूं, ऐसे, जो कि यहाँ से होती हुई ऐसे जा रही, इसको फाड़ती हुई, और इसका नाम है R और S, तो ये बोलो जीवा है क्या? ये रेखा RF जीवा है क्या? निशांत चौहान, सोनू यादव, अनंत, आदित्य, बच्चा सबका उत्तर आ रहा है, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छा, जिन बच्चों ने शेयर कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई सभी बच्चे शेयर करो बाबू, ठीक है? ऐसे मज़ा नहीं आएगी फिर, बिना मन के क्लास चलती यार। देखो अब यहाँ पे समझो, अगर कोई रेखा वृत्त के केंद्र को एक छोर से दूसरे छोर पे मिलाए और वो केंद्र से होती हुई जाए, सेंटर को टच करती हुई जाए, तो वो व्यास कहलाती है, वो जीवा नहीं कहलाती है। लेकिन अगर वो रेखा ऐसे चली जाए, इसको छोड़ के चली जाए, उसको टच ना करे, तो जीवा कहलाती है। यही अंतर होता है बस। कहानी समझो, पूरा कहानी समझो भाई। पूजा प्रजापति, रसूल राजा, विक्की राज, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? अब आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने व्यास पढ़ लिया, केंद्र पढ़ लिया, त्रिज्या पढ़ लिया, परिधि पढ़ लिया, जीवा पढ़ लिया। भाई क्या कम पढ़ा इतनी देर में? 5 टॉपिक क्लियर हुआ ना। अब चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो एकदम ईमानदारी से, और कॉपी पेन सभी लिए हो कि नहीं पहले ये बताओ। सभी बच्चे कॉपी पेन लिए हो कि नहीं लिए हो? कॉपी पेन लिए हो सभी? चलो तो ये हो गई बात पक्की। अब एक बात आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी, वो क्या है कि जो त्रिज्या है ये रेड कलर वाली भाई, यहाँ से यहाँ तक ओ से ए, वो व्यास की आधी है। हाँ, व्यास की आधी है ना, त्रिज्या व्यास की आधी है। बोलो, त्रिज्या व्यास की आधी है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास डी इक्वल क्या होगा? वृत्त का व्यास डी इक्वल क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे फटाफट। चलिए रेडी भाई, जल्दी करो ना यार बाबू, ऐसे मजा नहीं आ रही फिर। अगर त्रिज्या 2 है तो इसका क्या आएगा व्यास? पूजा कुमारी ने बहुत अच्छे सबसे पहले जवाब दिया, और कॉपी पेन लिए हो बच्चा, ठीक है, अच्छी बात है। देखो बहुत आसान है ये, सिंपल सा है यार, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, मन लगाना है इसमें, थोड़ा सा लगाना है बस। लाइट वाइट यहाँ पे मुझे लग रहा है कम दिखती है ना, लाइट थोड़ा तेज़ होनी चाहिए ना, अभी और तेज़ कर देंगे लाइट, टेंशन मत लेना आप। हाँ चलो, सरिता कुमारी समझ में आ रहा है? मनीष वर्मा, प्रियंका श्रीवास्तव, 4 होगा। देखो कैसे होगा, वो कहानी समझो पूरा भैया। ये मान लो वृत्ता है, हाँ ये केंद्र है ओ, यहाँ से इसको मिला दिया तो ये क्या है? त्रिज्या। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि नहीं त्रिज्या तो इधर को जाती है। भाई किसी तरफ को मिलाओ, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या खींच सकते हो, ठीक ना? एक वृत्त में अनंत त्रिज्या खींच सकते हो, तो मतलब समझो ये 2 सेंटीमीटर है, कितना है? 2 है यहाँ तक, यहाँ तक 2 है, इसका नाम ओ है, यहाँ पर मान लो पी है। अब कॉन्सेप्ट समझना, अगर हम व्यास की बात करेंगे यानी डी की, डायमीटर की, तो यहीं तक ये सीमित नहीं रहेगा, ये इसको ढकेलता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। तो भैया जितना दूरी इधर था उतने तो इधर भी है ना, इधर 2 है, तो 2 2 4 नहीं हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। तो डायमीटर इक्वल सूत्र होता बच्चा 2R, ये फार्मूला होता है। तो डी इक्वल 2 × R का मान 2 है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। जानवी यादव जी गुड इवनिंग, अंश मिश्रा, प्रीति, सूर्यांश, जो भी बच्चे जुड़े हैं मैं सभी का कमेंट देख पा रहा हूँ। और हाँ, जो बच्चे चैनल नंबर 1 पर हैं जिनका कमेंट नहीं देख रहे हैं, वो बच्चे चैनल नंबर 3 पे आ जाएं, PBR Study 3.0 पे आ जाएं फटाफट अभी तुरंत। ये क्लियर हो गया ना? ये क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर दिया है, डी इक्वल 7 सेंटीमीटर है, तो बच्चा आप लोग हमें बताओ आर का मान क्या होगा? आर का मान बताओ। वैष्णवी श्रीवास्तव तो 7 बजे से होती बाबू क्लास, लेकिन आज जो है ना 0 लेवल मैथ चल रही है, तो इस वजह से आपकी क्लास 9th वाली जो है क्लास इसी में शामिल हो जाएगी। आज कॉन्सेप्ट सीख लो, ये 9th वालों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है जो पढ़ रहे हो यहाँ पे। 7 बजे से होती है चैनल नंबर 3 पे क्लास 9th वालों की शाम को, लेकिन आज ये क्लास अलग से नहीं हो रही, ठीक ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ध्यान दीजिए, नहीं टाइमिंग नहीं बदल गई, ये तो स्पेशल क्लास है पूरे 3 घंटे के लिए है, टाइमिंग नहीं बदली है, आज एक विशेष क्लास है। अगर आप लोग जुड़े हैं तो हमसे जानते होंगे,
आज शाम 6 से रात 9 बजे तक की क्लास है। ये कभी कभी आती है बीच में, 3-3 घंटे 5-5 घंटे वाली क्लास, हरदम नहीं मिलती है। तो जिन बच्चों को बेसिक मैथ सीखना है उनको जल्दी से लिंक शेयर कर दो, फटाफट खूब शेयर कर दो, और ढेर सारी मात्रा में बच्चे आ जाओ, सभी सभी बच्चे आ जाओ। हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छे आप लोगों ने जवाब दिया बच्चे। तो त्रिज्या बराबर होता है, ये फार्मूला आप लोग लिख लो कहीं, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा दो, ये होता है जिसे अगर सिंबल से लिखें तो आर इक्वल होता है डी अपॉन टू, ये फार्मूले होते हैं भैया। हाँ अब देखो यहाँ से निकाल लो, देखो आर मतलब त्रिज्या, डी मतलब व्यास, तो आर बराबर हमें निकालना है, डी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, नीचे 2 निकाल लो, क्रॉस मल्टीपल करो, 2 आर इक्वल 7, तो आर इक्वल 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं कितना होगा, कितना होगा भैया, कितना होगा, ये होगा आपका 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर लिख लो जल्दी से। देखिए टाइम से संबंधित जिनको भी डाउट है टेंशन मत लो, लास्ट में बताऊंगा। एमके रोमांटिक जी क्या करें नहीं जा रहा भाई, यहीं में देखो बाबू आप, हाँ इसी में देखो, इसी में देखो, आपने कुछ वहाँ पे या तो प्रचार किया होगा अपना, हाँ, या आपने कोई सैड फेस हैप्पी फेस भेजा होगा, क्योंकि यूट्यूब इन चीज़ों को जो है ना वो गड़बड़ मानता है, ब्लॉक कर देता है, तो आप इस तरह का कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्लॉक हो जाएंगे। चलिए तो आप लोग ये जान गए, एक मुझे और भी सवाल बताओ, एक छोटा सा सवाल है, यदि एक वृत्त का व्यास 7/2 सेंटीमीटर है, 7/2 सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिज्या बताओ, ये व्यास दिया है त्रिज्या बताओ, चलो जवाब दीजिए क्या आएगा। चलिए जवाब दीजिए फटाफट, बताइए जवाब दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ेंगे, कुछ सवाल हम आपके लिए ला रहे हैं, तब तक आप जवाब दो, मैंने जो पूछा सवाल वो बताओ। हाँ इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं। हाँ ये आपने सुना होगा, अगर कहा जाए कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्यास बन वो वृत्त बनाइए, तो क्या आप बना लोगे, बोलो बना लोगे कि नहीं। हाँ देखो इसका जो जवाब है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, आप इसको 2 से क्या करोगे, ये क्या दिया था 7/4 आएगा, हाँ ठीक है 7/4, यार मैंने इसको बोला था त्रिज्या बताना है ना, ये 7/2 व्यास दिया है यानी डी दिया है, तो आर निकालोगे तो हमें पता है डी अपॉन टू होगा, मतलब 7/2/2 होगा, मतलब 1, यानी 7/4 होगा, 7/4 आएगा ना। चलो अब यहाँ पे आप अपना डाउट क्लियर कर लो सभी बच्चे, ध्यान दीजिए गौर से देखिए एकदम अच्छे से। पहले ये बताओ आप लोग वृत्त खींचना जानते हो कि नहीं, सर्कल ड्रा करना जानते हो, अगर आपको एक निश्चित दूर मतलब त्रिज्या दी गई है तो आप सर्कल बना लोगे कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि आर इक्वल 2 सेंटीमीटर है, तो इसका एक वृत्त बनाओ, कैसे बनाओगे वृत्त बताओ, पूछा जाता है, इसके लिए आपके पास ये होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं सभी नाम बताओ, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं भाई, चलो नाम बताओ जल्दी से, देखो सभी जानते हो, परिचित हो यार, पढ़े लिखे हो, प्रकार बोलते हैं, अच्छा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको तो सब जानते हो, तो इसको क्या करेंगे ना यार, इसको ऐसे लगा लेंगे, इसमें इसको दसा लेंगे, हाँ गोला प्रकार, हाँ प्रोटेक्टर बोलते हैं क्या, प्रोटेक्टर चांदा को बोलते हैं ना शायद, देखो ये इसमें लग गया, अब देखो वृत्त कैसे खींचते हैं, ध्यान देना वृत्त कैसे खींचते हैं, बहुत ही ध्यान से देखो, ये लगने के बाद आप क्या करोगे,
लगने के बाद आप क्या करोगे? बिल्कुल कंपास बोलते हैं, सही बताया उजाला ने, ये कंपास है। हाँ, एक स्केल लोगे, पटरी, स्केल दिख रहा है ना भाई, आप लोग भी देख लो, स्केल लोगे, एक पटरी लोगे, एक कंपास और पेंसिल लोगे, यानी एक प्रकार और पेंसिल। दिया है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, दो दिया है ना, आप इसको कॉपी पे ऐसे रखोगे, रखने के बाद इसको 2 सेंटीमीटर इसी में नापोगे, जैसे 0 पे रख दो पेंसिल और इधर रख दो इसका नोका, ये 2 सेंटीमीटर खुलना चाहिए, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं खुलना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, इसको ऐसे यहीं पे रख के ऐसे घुमा दोगे, बस यहाँ पे कम ठिका रहा यार ये, हाँ इसमें धंस जाएगा तो ये बोर्ड ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे रख के घुमा देंगे तो 2 सेंटीमीटर का अगर हम बनाएंगे तो जहाँ तक हमें दिख रहा है वो कितना का बनेगा, है इसे बनेगा, छोटा सा बनेगा बस 2 सेंटीमीटर में, समझ गए कि नहीं, ये चीज़ होता है एकदम छोटा सा। तो ये आप इस तरह से वृत्त का आकृति खींच लोगे ना, सर्कल बना लोगे। चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। त्रिज्या व्यास तो आप जान गए, एक मैदान की चौड़ाई 80 मीटर है तथा लंबाई 140 मीटर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी, बताओ आप लोग के दिमाग में कुछ आ रहा है कैसे होगा? एक मैदान की चौड़ाई 80 मीटर है, लंबाई 140 मीटर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी, बताइए आप लोगों को, अगर समझ में आया तो बता दो फटाफट, नहीं आ रहा तो फिर जाने दो, किसी को आ रहा समझ में? रचना यादव, डीएलएड की क्लास का टाइम, अब डीएलएड में कई सेमेस्टर है, आप बाद में अभी कमेंट करिए। रात 9 बजे वाली क्लास चलेगी, 10 बजे वाली क्लास जो है टाइम बदलने का अभी कुछ चल रहा था, लेकिन 9 बजे के आज तो ये चल रही, 9 बजे तक चलेगी। आज तो बात ही अलग है, आज तो मैराथन क्लास है 3 घंटे की, ठीक है, 4/7 आएगा। चलो ठीक है, अब कुछ दूसरे आकृति के बारे में हम बात करते हैं, क्षेत्रफल में चलते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रफल वाला ही है भैया, क्षेत्रफल वाला ही सवाल है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, वृत्त के बारे में जो कुछ था थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। अच्छा चलिए क्वेश्चन देखिए, एक छोटा सा है ये, देखो इसे क्या बोलते हैं आप जानते हो, इसे जानते हो क्या बोलते हैं? आप देखो इधर ध्यान दो, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, इसका नामकरण कर लो ABCD। अब अगर इसका हमें निकालना हो क्षेत्रफल यानी एरिया, तो कैसे करोगे? दिख रहा है कि नहीं, ऊपर कट तो नहीं रहा है, बोलो ऊपर फिगर पूरा दिख रहा है इधर साइड? भाई आशीष कुमार यादव जी, आफ्ताब आलम, बताओ पूरा दिख रहा है ना, सभी बताओ, हाँ जवाब दो जल्दी करो। चलिए हो गया ना, नहीं दिख रहा है इधर पूरा, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, और हिंदी में आयत बोलते हैं। क्या है ये? आयत है और रेक्टेंगल, हिंदी इंग्लिश, ठीक है भाई? यार कोई बोल रहा है दिख रहा है, कोई बोल रहा नहीं दिख रहा है, क्या दिमाग पागल दिमाग? अभी तक बंद था क्या? देखो इधर क्षेत्रफल निकालना है, सबसे पहले हम एरिया के बारे में जानेंगे, एरिया यानी कि ये क्षेत्रफल आखिर होता क्या है, किसी भी आकृति के आखिर क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ अब ध्यान दो, ध्यान दो, किसी भी आकृति द्वारा घेरे गए संपूर्ण क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं, किसी भी आकृति द्वारा घेरे गए संपूर्ण क्षेत्र को
उस आकृति का क्या बोलते हैं भैया? क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक ना? तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है इस चित्र का, तो ये कितना एरिया घेरी है बता ले। देखो 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 3 इसकी चौड़ाई है। हाँ अब देखो, एक प्रकार से ये जान लो, अगर हमें ये देखना है ये कितनी आकृति घेर रही है, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई का गुणा कर दो, बस लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो, आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक ना? तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयत के क्षेत्रफल के लिए होगा, आयत के क्षेत्रफल के लिए आप यहाँ पे लिखोगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भैया लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, नहीं तो सब गलत हो जाएगा, ठीक ना? सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं लगाओगे तो सब गलत हो जाएगा। अनुराग कुमार गौंड जी बिल्कुल सही बताया था आपने। चलिए तो ये क्लियर हो गया ना आपका। अगर इस तरह से कोई और भी सवाल दिया है तो आप उसे कैसे करोगे? जैसे यहाँ पे ध्यान दो, मान लो कि इसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग कर दिया और हमको ने आपको दे दिया कि 1.2 इसका है ये, और ये 0.8 सेंटीमीटर है। अब बताओ इसका एरिया बताओ, सभी बच्चे जल्दी से बताओ फटाफट। अब इसका क्षेत्रफल कितना आएगा भाई? सभी बच्चे जवाब दो यार, जल्दी करो, कितना आएगा इसका क्षेत्रफल? ऊपर साइड में कम दिख रहा है क्या इसमें? तो बताना चाहिए ना भाई साहब, कट रहा है यार इधर में ना। चलिए मैंने एक सवाल पूछा है उसका जवाब दो आप सभी, और टेंशन मत लो यार, जहाँ पे नहीं दिख उख रहा है तो बोलो तो हम सही करेंगे। ये थोड़ा लूज है ना, थोड़ा लूज है, इस वजह से ये गिर रहा है। हाँ चलिए ठीक है ठीक है। कौन है भैया? बिपिन, बिपिन सिवारे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए मैंने एक सवाल पूछा, देखो यार एक ही बात को बार बार ना लिखा करो, आप लोग सवाल पे भी ध्यान दो। हाँ ये कहाँ से दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चले आगे, चलो ठीक है, ओके गुड। कितना आएगा? देखो इसका जो एरिया निकालना था वो कितना आएगा, हम सबको पता है बच्चे, यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, यहाँ पे ध्यान दो आप सभी। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इसमें देखो कितनी दी है 1.2, चौड़ाई दी है 0.8, दोनों का गुणा करो 12×8=120 होता है ना, यही तो होता है ना। 8×2=16, 8×1=8, 12×8=120 नहीं होता भैया, कितना होता है बताओ? 12×5=60, 12×6=72, 12×4=84, 12×8=96 होता है ना, तो 96 हो जाएगा। और एक एक दो अंक पे दशमलव होगा, यानी 0.96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 15×8 होता है वो। हाँ यार ये बड़ा पीछे चल रहा है काय में, ऐसा काय दिख रहा है भाई। इसमें तो बड़ा अजीब सा दिख रहा है यार। आगे चले, चलो ठीक है, ओके गुड। चलिए ठीक है वेरी गुड। तो बच्चे आप लोग को समझ में आया ना, सभी को समझ में आ गया? चलिए ठीक है आगे चलते हैं हम लोग, क्लियर हो रहा है ना? चलो ओके ओके।
ये हमारे स्क्रीन में कुछ और टाइप का दिखता है, उधर कुछ और दिखता है, तो ये समझ में आ गया सभी के। अच्छा ठीक है, इसमें अगर हम एक और बदलाव कर दें, जैसे मान लो हमने कहा कि इसकी लंबाई आर है और इसकी चौड़ाई जो है ना वो क्यू है, तब कोई क्षेत्रफल निकाल पाएगा इसका? बहुत अजीब सा हो जाएगा ना। अब बताओ इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, जवाब दो फटाफट, बोलो सभी बच्चे जल्दी करो बाबू, जल्दी जल्दी फटाफट चलो। अब क्या आएगा, जवाब दो जल्दी करो सभी बच्चे, अब कितना आएगा भाई? चलो पूजा, जानवी, और कौन है भैया, अंशु, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, चलिए ओके ठीक है। नैतिक का भी आ गया, शिवहरी का भी आ गया भाई, सभी का आ रहा है, वेरी गुड। लेकिन आप लोग ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, सिर्फ उत्तर लिख देना ही बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें गलत रहेगा। देखो गलत कैसे रहेगा, वो चीज़ देखो, इसमें गलत कैसे है वो चीज़ यहाँ पे ध्यान दो। हमने आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने के उद्देश्य से क्लास दिखाया ना, हमें लंबाई आर दी है, चौड़ाई क्यू दी है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है ये मत भूलना। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ क्यू आर लिख देंगे, सीरियल में लिखना पहले क्यू फिर आर, हाँ, लेकिन ये सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं लगाओगे बच्चा तो गलत माना जाएगा, क्योंकि बिना मात्रक के सब गलत माना जाता है, बिना मात्रक के गलत माना जाता है, ये बात अपने दिमाग में आप बसा के रखना, ठीक ना, बिना मात्रक के गलत माना जाता है, ये बात आप दिमाग में बसा के रखना, समझ रहे हो कि नहीं? आगे चलें, चलिए, तो क्लियर आ रहा ना सब कुछ, किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलो तो अब देखो ध्यान से, ये पक्का हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बदलते हैं इसमें, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका परिमाप बताओ, क्षेत्रफल तो जाने दो, अब परिमाप पे आते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को परिमाप भी सीखना होता है। अगर इस आकृति का परिमाप पूछा जाए तो क्या होगा, परिमाप मीन्स पेरीमीटर, जिनको आ रहा है वो बता दें जल्दी करिए। अब मैं अगर बोलूं कि दिए गए आयत का परिमाप बताइए, पेरीमीटर, देखो परिमाप क्या होता है, जिनको नहीं आ रहा वो यन ओ नो लिख के कमेंट करें फटाफट और देखते रहें, परिमाप क्या होता है आपको पता है, किसी भी आकृति द्वारा घेरे गए संपूर्ण क्षेत्र को उस आकृति का परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं, किसी भी आकृति द्वारा घेरे गए उस संपूर्ण क्षेत्र को उस आकृति का परिमाप कहते हैं। ध्यान दो कैसे, अब भाई परिमाप जो है क्या होता है, आकृति द्वारा घेरे गए संपूर्ण लंबाई को परिमाप कहते हैं, यानी लंबाई R और प्लस ये चौड़ाई Q और प्लस ये लंबाई, भाई ये R है तो ये भी R होगी सामने का, और ये Q है तो ये भी Q होगी, सब जुड़ेगा, गुड़ा उड़ा एक को नहीं होगा, ये क्या है, ये इसका परिमाप है, ये पेरीमीटर है। बहुत से बच्चे गलत कर देंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे स्क्वायर बता रहे हैं, तो बच्चा स्क्वायर नहीं होगा, ये क्यू क्यू आर आर जुड़ेगा तो 2Q धन 2R होगा, यानी फाइनल में हम कह सकते हैं कि 2 कामन ले लें तो Q धन R होगा, 2 कामन ले लें तो Q प्लस R इसका सूत्र होगा। और हाँ ये फार्मूला बन गया एक प्रकार से, यहाँ पे सेंटीमीटर जरूर लगाना, सेंटीमीटर लगाना नहीं भूलना, ठीक ना। जो बच्चे 9th वाले इंतज़ार कर रहे हैं उनको पता है कि 7 बजे शाम से 9th की क्लास होती है, तो बच्चा आज 7 बजे 9th की क्लास नहीं होगी, क्योंकि आज आप इसी में पढ़ोगे, ये भी आपके काम का है, सीख लो ना, ये भी आपके काम का ही चल रहा है, 9th वाले भी इसको सीखें। चलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक करो बाबू, जल्दी से करो, देर मत करो, ये चीज़ मुझे कहना ना पड़े बार बार, हाँ हो गया ना इतना बात पक्की, आगे चलें हम लोग, आगे चलें, चलो ठीक है। तो ये तो हो गया परिमाप,
ये तो एक प्रकार से सूत्र बन गया आपका, फॉर्मूला बन गया, यानी 2 × Q + R। या अगर ए बी, जैसे अगर मैं एक बात करूं, अगर इसकी लंबाई मान लो ए है, चौड़ाई बी है, तो क्या बनेगा? देखो यहां से सूत्र बन जा रहा है, फॉर्मूला बन जा रहा है ये। अगर लंबाई ए है, चौड़ाई बी है, तो क्या बनेगा भाई? जैसे अभी आपने देखा वैसे सेम टू सेम बनेगा, पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा बाबू 2 × A + B, ऐसे बनेगा ना। यानी ये क्या है, ये सूत्र है, ये क्या है, ये फॉर्मूला है परिमाप का, लेकिन किसके लिए? सिर्फ आयत के लिए है ये, ओनली फॉर रेक्टेंगल, नॉट फॉर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए नहीं है। अब ये जान गए आप। तो इसी तरह से इसी के तर्ज पे अगर हम बोल लें कि ये 7 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप बताओ, जल्दी बताओ, चलो फटाफट बताओ। और बच्चे आप लोग संख्या शेयर नहीं कर रहे हो भाई, ऐसे मज़ा नहीं आएगी। अगर 10-5 लोग जुड़े रहोगे तो हम 3 घंटा नहीं पढ़ाएंगे, अभी 1 घंटा बाद बंद कर देंगे, ठीक ना। गुड इवनिंग रचना यादव जी, गुड इवनिंग सोनू सिंह, गुड इवनिंग नैतिक उजाला, शिवहरी भैया, जो जो जुड़े हैं सभी का गुड इवनिंग, संदीप यादव, नेहा प्रजापति, सनी कुमार जी, बाबू आपकी क्लास सुबह 8 बजे चलती है। सनी कुमार कक्षा 10 वाले जान लें, उनकी क्लास सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे। 2 × A का मान रख दो 7, बी का मान 5, तो 2 × 7 = 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। लगाना नहीं भूलना बच्चा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा, याद रखना। हाँ गलत है पूजा कुमारी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ पे जुड़ रहा है। देखो मतलब समझो, पहले मतलब समझो भाई, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जुड़ रहा है, तो जुड़ेगा तो स्क्वायर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, छोटा सा मतलब समझो, अगर पी को पी में जोड़ेंगे भैया तो 2P होगा, ये चीज़ समझो, हाँ 2P होगा। लेकिन अगर पी को हम पी में गुणा करते हैं तो पी का स्क्वायर होता है, गुणा करने पे घाते जुड़ती है ना, गुणा करने पे घाते जुड़ती हैं, यहाँ पे घाते नहीं जुड़ेंगी, जोड़ने पे तो गुणांक जुड़ता है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाओगे, नहीं सत्यानाश हो जाएगा, सिर्फ क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ये छोटी छोटी बातें याद रखना है, परिमाप में सेंटीमीटर का स्क्वायर होता ही नहीं है, क्योंकि जुड़ता है वहाँ पे, गुणा नहीं होता है, ये बात याद रखना। अगर तुमने ये कर दिया पेपर में, यहाँ स्क्वायर कर दिया, तो मतलब उत्तर गलत, सब कुछ सही किए, किया कराया सब माटी हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, अब समझ गए ना। तो एक और सवाल बता दो, उसके पहले मैं बार बार बोलूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन यार तुम लोग समझते नहीं हो। जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए उनके लिए क्या करें बताओ, बोलो भैया आप लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? हम आपको जो पेमेंट वाली क्लास आप लोग लेते थे, हमने सोचा कि आपको सब फ्री के उपलब्ध करा दें, 3-3 घंटे हम आपको पढ़ाना शुरू कर दिए बेसिक मैथ, जो बच्चे हैरान परेशान थे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ना सुने ना करें, कुछ नहीं सुनते हैं, ना वो शेयर करें ना लाइक करें, बस क्लास चलती देख लेते हैं, नहीं चलती नहीं देखते, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर अपनी जिम्मेदारी को आप समझिए। मुझे पता है बहुत से बच्चे समझ रहे हैं, लेकिन बस कुछ बच्चे हैं जो नहीं समझते हैं, तो भाई नहीं समझोगे तो कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा आखिर ऐसे। ज्ञानेंद्र कुमार, सोनू सिंह, देखो भैया जो PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे जुड़े हैं बाबू, उनका कमेंट हम थोड़ा कम पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो दूर हैं हमसे। जो PVR स्टडी चैनल नंबर 3 पे हैं, उनका हम हर एक कमेंट पढ़ रहे हैं, तो अगर आप भी चाहें आपका कमेंट पढ़ा जाए तो आप चैनल नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट, वहाँ पे हम देख रहे हैं सारा कमेंट आपका। चलो आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ें, ये चमक रहा है क्या? हाँ मुझे इसका उत्तर दो जो मैंने सवाल लिखा है, मैंने एक सवाल लिखा इसका आंसर बताओ सभी बच्चे। तेजपाल PVR, यशवंत केवट, नेहा प्रजापति, ये मैंने सवाल लिखा इसका आंसर कौन बताएगा भैया बताओ। दिए गए इस आयत की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 1.8 सेंटीमीटर है, तो मुझे इसका बताओ परिमाप क्या होगा? बाबू सूत्र लगा दो 2 × A + B। अभी सूत्र मैंने निकाल के दिखाया था, कैसे सूत्र आता है, सूत्र मैंने आपको दिखाया निकाल के,
तो फटाफट रख दो ना, रख दो फिर कहा जाता है इसमें कौन बड़ी मुसीबत है, रख दो माना जाए। चलो कर लो, चलो वेरी गुड। हाँ बहुत से बच्चे ने जवाब दे दिया, नेहा प्रजापति, जानवी, नेहा, सचिन, साक्षी, अंतिमा, अंकिता, जानवी, पूजा, सब बता रहे। तो 2 × 4.2 ए का मान प्लस 1.8 बी का मान रख दो, जोड़ लो भैया, 8 × 2 = 10 का 0 हाँसी लावा, 1 × 4 = 5 = 6। हाँ यहाँ पे पॉइंट लगाना नहीं भूलना, मतलब 6 हो जाएगा, 6 × 2 = 12, सिर्फ 12 सेंटीमीटर आएगा, ओनली 12 सेंटीमीटर आएगा। कुछ तो अभी 120 बता रहे थे, वो कौन सी दुनिया में है? अरे बच्चा ये जान लो, अगर 4.2 मतलब 4 रुपया 20 पैसा में 1 रुपया 80 पैसा जोड़ोगे तो 6 रुपया होगा ना भाई, 6 ही रुपया होगा कैसे? अरे 4 रुपया में 1 रुपया जोड़ोगे 5 रुपया होगा, 80 पैसा में 20 पैसा जोड़ोगे 100 पैसा होगा, 100 पैसा में 1 रुपया होता है, तो 4 × 1 = 5 रुपये हुआ, मतलब 5 × 1 = 6 रुपये हुआ ना। तो यानी ये 6.0 भाई गुणा करोगे उसका कोई मतलब नहीं है, 12 आ गया। ये दशमलव का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो छोटी छोटी जानकारियां आपको आनी चाहिए। हो गई ना बात पक्की? तो इसको छाप लो जल्दी जल्दी, फटाफट लिखते चलो, देर नहीं करो। कॉपी पेन जो नहीं लिए चुपचाप भाग जाए यहाँ से, जो खाली हाथ देख रहे हैं वो जल्दी से भाग जाए यहाँ से, कोई मतलब नहीं उनका। कॉपी पेन जो लिए हैं वही क्लास देखें बस, फालतू भीड़ नहीं लगाना है, जिनको पढ़ना ईमानदारी से पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है बस, ठीक ना। अगर कोई छात्र मजबूरी में कॉपी पेन नहीं लिया, कहीं फिर दूसरी जगह देख रहा है, फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो कोई बात नहीं है। चलो अब बताओ, एक और बता दो फिर हम टॉपिक चेंज करें। हमारी कोशिश होती है ना एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए आपको, इसलिए हम थोड़ा लंबा खींच देते हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा सवाल दे देते हैं भैया, तो परेशान मत हुआ करो बाबू। हाँ चलो जवाब दो, अब हमें जवाब दो आप सभी फटाफट। चलो एक ही चला था ना उस दिन। आ गया सभी का, आ गया। संदीप यादव ने बता दिया भैया, पूजा कुमारी ने बता दिया, फरीन खान, और कौन है इधर साइड में, मैं, नैतिक, अजीत, लिलचंप, इनका नाम बड़ा खतरनाक है लेकिन ये अपना नाम नहीं बता रहे हैं, मुसीबत तो ये है ना। आगे चलें, आगे बढ़ें, आ जाएगा ना, आप कर लोगे। मैं नहीं बताऊंगा इसको, अब मैं इसको नहीं बताऊंगा। रचना यादव का भी आ गया, तेजपाल का भी आ गया, तो हम लोग थोड़ा बहुत इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करें, नहीं तो फिर इसी में लटकाए रहेंगे, तो आप कहोगे ये क्या हो रहा है। हाँ एक बात और सुन लो, आपने क्षेत्रफल और परिमाप तो पढ़ लिया इसके लिए, लेकिन अगर यही हम थोड़ा सा बदल देते हैं, इसको मैंने बराबर कर दिया चारों तरफ से, अब इसका नाम बताओ मुझे सभी बच्चे इसका नाम बताओ जल्दी से, जितने भी बच्चे जुड़े हैं भाई बताओ। ये सब 3 सेंटीमीटर का है, एक तरफ ए बी सी डी। चलो गेट रेडी जल्दी उत्तर बताओ। अब अगर हम इसका परिमाप की बात करें, अगर हम इसका परिमाप की बात करें तो क्या होगा, आप लोग बताओ, कोई बताएगा? वर्ग कहते हैं। आकाश, परवीन कुमार, बहुत अच्छे बच्चे। अनंत मिश्रा, आप ही अनंत पांडे थे क्या, मिश्रा बन गए आज, बताइए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप नए नए जुड़े हैं आज। चलिए ध्यान दो इधर साइड में, हमने आपको बताया था कि परिमाप जो होता है किसी भी आकृति के चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। तो बच्चा चारों भुजा जोड़ लो ना, अगर ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, मतलब सब क्या है, 3 3 सेंटीमीटर हैं,
तो सबको जोड़ लो, 3 × 3 × 3 × 3। हम बिना सूत्र के निकाल रहे हैं, कोई सूत्र नहीं लगा रहे हैं, कोई भी फार्मूला नहीं लगा रहे हैं। 3 × 3 = 6, 3 × 9 = 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। समझ में आया ना? हमने कोई भी सूत्र नहीं लगाया, ठीक ना? कोई भी फार्मूला हमने यूज नहीं किया, वैसे लगा दिया। लेकिन फार्मूला कैसे बनता है वो चीज़ देखो। अब ये चीज़ अगर ऐसे किया जाए, एक आपने पढ़ा होगा गुड़ा वाला नियम ना, उसमें मैंने आपको बताया था, चाहे तो इसको हम 4 बार जोड़ें, या फिर हम इसको अगर ऐसे लिख दें 4 × 3, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है ना। मतलब 4 बार जोड़ने से अच्छा है कि 4 × 3 कर दो ना, ये ठीक है। अब देखो इसका सूत्र कहाँ से आता है, क्या होता है, वो चीज़ देखो। अब देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र कैसे बनता है वो देखो। अगर इस वर्ग का जो भुजा है, अगर इस वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, ध्यान दो। चारों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। इसकी चारों भुजाएं a हैं, तो हम a को 4 बार जोड़ेंगे, इस तरह से क्या आएगा, 4a। आपने सुना होगा कभी ना कभी ज़िंदगी में कि वर्ग का परिमाप बराबर, लोग यही पढ़ाते हैं, यही लिखवा देते हैं, आप याद कर लेते हो, वर्ग का परिमाप बराबर 4a। सुने हो ना? इसको नहीं सुने हो तो इसको जरूर सुने होंगे, 4 × भुजा। बोलो कौन कौन सुना है ये सूत्र? आप सुने हो कि नहीं सुने हो ना? लेकिन अब तक आप सुने थे, आज आप देख लिए कि आखिर ये आता कैसे है, इसका जन्म कहाँ से होता है, देख लिए ना, समझ में आया ना ये होता कैसे है। पहले आपको किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, मैथ में आपको सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा भाई। पहले आपको ये पता हो कि आखिर परिमाप होता क्या है, आखिर परिमाप होता क्या है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए बस। आकाश राज, तुम क्या चाहते हो बेटा, क्या चाहते हो बताओ, तुमको हम दें, जल्दी बोलो। कुछ चाहिए अलग से? ये हो गया ना, समझ गए? तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे एक आपको कोई नंबर दें, जैसे मैंने दिया 12 सेंटीमीटर, तो बताओ 12 सेंटीमीटर अगर इसका वर्ग का एक भुजा है, तो परिमाप कितना होगा? सभी बच्चे जवाब दो, अगर 12 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा, जल्दी करो। देखो पूजा कुमारी का उत्तर आ गया, संदीप यादव का भी आ गया, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आ रहा है और वो उत्तर बता रहे हैं फटाफट, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं वो अपने ही धुन में लगे हैं। हाँ चलो ठीक है, हेमंत जी आप भी आ गए भाई। कोई 48 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है, ये रचना यादव, पूजा और ये रितेश, ये 60 कहाँ फैला रहे हैं, कमाल के बच्चे हो यार तुम लोग सच्ची में। अरे यार सूत्र लगा लो या बिना सूत्र के लगाओ, 48 आएगा। ये 60 वाले कौन से दुनिया से आए हैं, ये सब मंगल ग्रह से आए हैं क्या लग रहा है? अरे इसका सूत्र बना था 4a, यही बना था ना, एक ही जगह पर 12 है। अब इनको या तो पहाड़ा नहीं आता है, या तो इनको टेबल नहीं आता, या कोई और बीमारी है, तो क्या आएगा भाई? 12 × 4 = 48 आएगा ना बाबू, 48 आएगा, 48 आएगा। हाँ ऐसे कैसे कर रहे हो, ये 60 कहाँ से बता रहे हैं सब? अतुल कुमार आप भी मंगल ग्रह से आए हो, रश्मि मंडियाना, यार ये कैसे दोनों में कमेंट आ रहा है कि कितना आएगा, 48 आएगा। अच्छा ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूं, अगर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करूं तो आप कंफ्यूज हो के देखो होते हो कि नहीं। चलो अगर मैंने कहा कि ये 1.2 सेंटीमीटर है, 1.2 सेंटीमीटर है, तो अब बताओ परिमाप क्या होगा। देखो ये बेसिक मैथ है, एकदम शून्य से जीरो से, इसको कोई सिखाता नहीं है, इसको कोई सिखाता नहीं है, बस मैं ही एक बेवकूफ़ हूँ जो लेकर इसको पढ़ा रहता हूँ, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं हमारे साथ, लगभग 2 लाख बच्चे हैं जिनकी ये बीमारी है, और ये गुप्त रोग की तरह इसको छुपाए रहते हैं, किसी से कहते नहीं हैं। काहे नहीं कहते हैं, क्योंकि इतना छोटा छोटा टॉपिक पूछने में उनको शर्म महसूस होती है,
और उस शर्म के मारे वो इसी में डूबे रहते हैं, ना तो कोई परीक्षा निकलती है ना कुछ कर पाते हैं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं हमारे जो दुकान पे सामान लेने जाते हैं, अगर कोई वस्तु 75 रुपये किलो मिल रही है तो वो 100 ग्राम का पैसा नहीं जोड़ पाते हैं, तो उसके लिए मैथ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पढ़ने वाले सब नौकरी के लिए नहीं करते हैं, ठीक ना। अतुल यादव, अतुल जी आपका कमेंट हाइड हो रहा है, आपसे गुजारिश होगी कि अपना नाम थोड़ा सा कुछ चेंज कर लीजिए, थोड़ा बहुत चेंजिंग कर लीजिए, हो सकता सही हो जाए। चलिए, बहुत से बच्चे का जवाब आ गया, प्रियंका सिंह का आ गया, सनी कुमार पांडे का आ गया, सोनू यादव का आ गया, नेहा प्रजापति का आ गया। इधर चैनल नंबर 1 पर देखें अगर तो इधर राज का भी उत्तर आ गया भाई, और कौन है, बहुत से कमेंट हैं, सब हाइड हो जा रहे हैं फटाफट। चलिए, गुड्डू का भी आ गया है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है 4 × भुजा या फिर 4a जो भी समझो। तो भैया भुजा जो दी गई है 1.2 दी गई है बच्चा, तो 12 × 48 कर लो और 1 डिजिट पे पॉइंट लगा दो, 4.8 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 4.8 सेंटीमीटर आएगा। हाँ, रेशमी मंडियाना जी आपका कमेंट मिल रहा है, रेशमी मंडियाना आपका कमेंट मिल रहा है, और हम सबका कमेंट बार बार नहीं बोलते हैं जिससे आपकी क्लास भी चल सके ना। चलो, अब अगर ये 4.5 सेंटीमीटर कर दें और हम आपसे पूछें कि इसका क्षेत्रफल बताओ, दोनों बताओ, क्षेत्रफल भी बताओ, परिमाप भी बताओ, उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये कक्षा 5 के लेवल का पढ़ा रहे हैं आपको, इसके ऊपर नहीं पढ़ाएंगे, इसके ऊपर अगली क्लास में। आज सिर्फ बेसिक, इसके आगे हाई थोड़ा सा होगा, अगली क्लास में लेवल बढ़ेगा। हाँ, जवाब दीजिए। अतुल यादव, YouTube को लग रहा है कि आप कोई खतरनाक आदमी हैं, इसलिए हाइड हो रहा है आपका कमेंट, तो आप थोड़ा सा चेंज कर लो। हाँ, विकास बाबू पहुंच रहा भैया, सबका कमेंट पहुंच रहा है, परेशान मत हो यार, अगर हम सबका कमेंट पढ़ेंगे तो क्लास नहीं चल पाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगा। देखो, एरिया क्या होता है, हमने अभी अभी आपको बताया, किसी भी आकृति द्वारा घेरे गए संपूर्ण क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। हाँ, यही तो होता है ना, किसी भी आकृति द्वारा घेरे गए संपूर्ण क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसमें जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, ये 4.5 है तो ये भी 4.5 है, ये भी वही है, वो भी वही है, सब बराबर है ना, चारों तरफ बराबर है। अब देखो, सिंपल सी बात है भैया, चारों तरफ बराबर हैं, वैसे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी आकृति का लंबाई चौड़ाई का गुणा करते हैं, बस सिर्फ लंबाई चौड़ाई का गुणा करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। कुछ बच्चे कहेंगे ये तो आयत वाला सूत्र है, ये वर्ग में कहाँ लगा रहे हो, ये वर्ग वाला भी है, ये किसी का सूत्र नहीं है, ये कॉन्सेप्ट से निकलता है कि लंबाई चौड़ाई का गुणा कर ले हमें पता चल जाता है। हाँ, जो भी है, भुजा का स्क्वायर बन जाता है, वो संयोग है, इसकी किस्मत है, बाकी मेन सूत्र यही होता है। अब ध्यान दो, लंबाई चौड़ाई संयोग से इसमें लंबाई भी वही होती है और चौड़ाई भी वही होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई सब वही होती है, तो इस वजह से क्या होता है, सब बराबर होने की वजह से इसको हम कह सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, फार्मूला ऐसे बनता है। तो मुझे ये बताओ पहले बच्चा लोग, आप 45 का वर्ग कितना होगा, मैंने वर्ग आपको याद करवाया था, पहले तो आप 45 का वर्ग करके बताओ। नेहा प्रजापति, ये क्या बता रही हैं आप, 45 का वर्ग बताओ पहले, 185 ही होगा का, ये कहाँ हो रहा भैया, 45 का वर्ग बताओ कितना होगा, पता नहीं क्या क्या ढकेले पड़े हैं सब। देखो इधर देखो, इसका वर्ग करो, वर्ग मान लो हमें पहाड़ा नहीं आता तो क्या करोगे भाई, पहाड़ा नहीं आता इनको गुणा कर लो आपस में, 45 × 5 आपको पता है, 5 × 25 5 × 20 और 2 × 22 225 का 5 हासिल आया 22, और 4 से कर लो तो 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 2 × 18 = 180, 180 में 22 जोड़ दो बच्चा, 2 × 8 = 10 हासिल आया 1, 2 × 8 = 10 हासिल आए 1, 1 × 1 = 2, कितना आएगा,
202 यानी 2025 आएगा, कितना आएगा 2025 आएगा, बिल्कुल सही है दुर्गेश कुमार, संदीप कुमार। तो यार काहे को गड़बड़वा रहे हो भाई, काहे को सत्यानाश कर रहे हो यार तुम लोग, 2025 आएगा, जब नहीं करोगे वर्ग याद कर तो क्या होगा। यहाँ पे वन डिजिट पे पॉइंट था, यहाँ पे वन डिजिट पे था, गुणा करोगे टू डिजिट पे पॉइंट लगेगा पीछे से, यानी इसका जो आंसर आएगा ना 20.25 आएगा सेंटीमीटर। ये चीज़ याद रखना, थोड़ा बड़ा हो गया ना ये, कितना आएगा 20.25 सेंटीमीटर आएगा, 20.25। कुछ बच्चे इसको 20.25 पढ़ेंगे, अरे गधा जी, इसको भैया 20.25 नहीं पढ़ोगे। और एक चीज़ समझो, अगर कहीं ऐसे लिखा है भैया इसे, तो इसको भी आप 0.25 नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो 25 पैसा है, वो 25 के बराबर नहीं है, 25 का 1/4 भाग है, समझ रहे हो ना। तो क्या पढ़ोगे इसको, इसको हम पढ़ेंगे 0.25 या 0.25, लेकिन उसको 25 नहीं बोलोगे दशमलव के बाद वाले नंबर को, क्योंकि वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये तरीका समझ लो, सभ्यता वाली बात है, कहीं भी अगर जाओगे ऐसे पढ़ोगे तो लोग कहेंगे ये पढ़ा लिखा नहीं है एकदम, मतलब समझ लो आगे क्या बोलेंगे। हाँ, तो इस तरह से आप किसी के सामने इसको ऐसे मत पढ़ना, मतलब दशमलव के बाद की जो नंबर लगा है उसको ऐसे नहीं पढ़ना, एक एक अंक पढ़ा जाता है। हाँ 0.25, तो ये कहानी हो गई ख़त्म। इस तरह से आपने आयत वर्ग का देख लिया। अब इसमें चलते चलते हम सूत्र बनवा देते हैं लास्ट में, लोग सूत्र तो पहले बनाते हैं, हम पहले ही आपको बता दें इसका सूत्र कैसे आता है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, क्या सुना होगा, कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, सुना होगा ना। अगर इसका लंबाई वर्ग की a है, क्या है भैया a है, तो मुझे इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सोचो। हाँ सोचो क्या करेंगे, अगर इसका लंबाई मान लो ये a है, तो ये वर्ग है, चूंकि अगर वर्ग है तो भैया चारों तरफ ये तो बराबर हो ही ना, ये भी a, ये भी a, सब a होगा ना। तो हमें पता है कि इसका जो क्षेत्रफल, क्या पता है कि क्षेत्रफल जो होता है वो किसी भी आकृति के लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके मिलता है। हाँ, क्योंकि इसका परिभाषा होती क्षेत्रफल की, किसी भी आकृति द्वारा घेरे गए संपूर्ण क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये चीज़ तो आप जानते हो, तो ये चीज़ अगर आप जानते हो तो फिर मुसीबत किस बात की है। चलो फिर हम लोग कर लेते हैं, कर लेते हैं ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, चूंकि वर्ग है इसलिए बन जाएगा a का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a का स्क्वायर। ये सूत्र है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a का स्क्वायर, यदि a इसकी एक भुजा है। हाँ, एक सूत्र और बनता है, कहीं कहीं लोग ऐसे लिखते हैं, मान लो इसको हम भुजा मान लेते हैं, इसको भी भुजा मान लेते हैं, इसको भी भुजा, भाई ये भुजा है ना, ये भुजा है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा फिर, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, और संयोग से लंबाई भी वही है चौड़ाई भी वही है, तो भुजा गुणे भुजा। हाँ, तो इस तरह से हो जाता है ये भुजा का स्क्वायर। तो यही चीज़ आप रटते हो, यही चीज़ रटते हो भूल जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, दोनों में अंतर भूल जाते हो, एग्जाम में बेवकूफ़ बन जाते हो। हाँ, बात समझ में आई ना। अगर आप इन चीज़ों का कंसेप्ट याद रखोगे तो कभी सूत्र नहीं भूलेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ग होता है इसकी चारों तरफ सब बराबर होती भुजाएँ, और चूंकि जो क्षेत्रफल होता है उसमें लंबाई चौड़ाई का गुणा करते हैं, तो भैया अगर भुजा बराबर है लंबाई चौड़ाई गुणा करोगे, लंबाई वही चौड़ाई वही, तो स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता है, आयत में दोनों अलग अलग होता है, इस कारण से उसका सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई बन जाता है। तो कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको नहीं मिलेगा कहीं, अगर आप पढ़ोगे तो लोग सूत्र लिखवा देते हैं, सवाल लगवा देते हैं, ठीक है, लेकिन ये आता कैसे, आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, जैसे आपने देखा होगा गंगा जल आपको ले आके अगर डिब्बी डिब्बी में दे दिया जाए, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग जो भी मानते हैं,
तो आप उसको देखते हो, हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, बड़ा पवित्र माना जाता है हमारे यहाँ हमारे भारत देश में। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना आता कहाँ से है, गंगा जी से आता है। अब गंगा जी कहाँ कहाँ मिलती हैं, आप यूपी के रहने वाले हो, कानपुर में मिलती हैं, प्रयागराज में मिलती हैं, हाँ उत्तराखंड से निकली हैं, कहाँ से निकली हैं, गंगोत्री से निकली हैं, ऐसा ही तो कुछ है ना कहानी। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि वो मतलब जो भी चीज़ आप समझ रहे हो सुन रहे हो उसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे कैसे क्या है, पूरी अगर आपको कहानी पता होगी ना तो आप उसमें बहुत कुछ कर जाओगे। लेकिन आपको पहले क्या होना चाहिए, कहानी आनी चाहिए, ठीक ना। तो ये था आपका आयत वर्ग। देखो भैया जो लोग डंडा कर रहे हैं ये डीएलएड वाले, ये डीएलएड में भी यही है, डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर में वृत्त है, डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर वाले जान लें, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उनके लिए है, सेकेंड वाले के लिए भी है, ये सभी के लिए है। नीतू जी कौन सी एग्जाम डेट आ गई बताइए, कौन सी एग्जाम डेट आ गई आप बता रही हैं, बताइए किस परीक्षा की एग्जाम डेट आ गई, कौन से एग्जाम की, ये सब के लिए है, ये सब के लिए है, सब के लिए है, बताइए जवाब दीजिए। डीएलएड की कौन सा सेमेस्टर है ये तो बताइए ना, सेमेस्टर कौन सा है। डीएलएड मींस होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड मीन्स होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। कौन सा सेमेस्टर है बोलो यार, नहीं बोलोगे जाने दो, चलो आगे पढ़ते हैं, 5 घंटा लग रहा है तो जाओ, बस एग्जाम डेट आ गई, मैं जितना क्वेश्चन बोलूंगा उतने बताएंगे। अगर एक बार में लिख दिए होते कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम फलानी तारीख से होगा तो 8 बार पूछना ना पड़ता ना, लेकिन दिमाग नाम की चीज भगवान जब दे रहे थे तो आप शायद सो गए थे, लिए नहीं ना, दिक्कत ये है, तो लेना चाहिए ना। चलिए अब देखिए कोई भी अगर घन आकार की वस्तु है तो उसका आयतन कैसे करेंगे, अब हम आयतन पढ़ेंगे। आयतन मीन्स क्या होता भैया, वॉल्यूम होता है ना। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे साइड में, आयतन आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। आयतन और धारिता, अब देखो धारिता के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ ध्यान दो। ताहिर खान का है परेशान हो यार भाई, हाँ आपका नाम ले हम बस पढ़ाए नहीं। धारिता को क्या बोलेंगे, कैपेसिटी। देखो जो सोच रहे हैं उनका नाम लेना, वो उत्तर बताएं, जो हम बातें पूछें उनको सबसे पहले बताएं, हम उनका नाम लेंगे। और हाँ उसके लिए आप इस चैनल पे आ जाओ बाबू, ठीक है, जिनको नाम लेवाना है ना PVR Study 3.0 पे आ जाओ, PVR Study 3.0 पे आ जाओ, सेम लाइव चल रहा है, वही सब कुछ वही दिखेगा, इस पे आओ, नाम भूगल आपका नाम ही पुकारते हैं, आओ जल्दी आओ फटाफट, परवीन आप भी आ जाओ, सभी आ जाओ इस पे, 3 नंबर पे आ जाओ। चलो फोर सेमेस्टर वाले 30 से 12 नवंबर के बीच में होगा, 30 से 12 नवंबर मतलब 30 अक्टूबर, अच्छा ठीक है। चलिए तो PVR स्टडी ऐप में पूरा कोर्स कंप्लीट है, PVR स्टडी ऐप में पूरा कोर्स कंप्लीट है, जिनको जल्दी पढ़ना जाके ले लो वहाँ से फटाफट पढ़ लो, पूरा कोर्स कंप्लीट है सब। और अब जिनका नाम लेवाना है ना उनको हम ब्लॉक करेंगे, जो बोलेंगे मेरा नाम लीजिए उनको ब्लॉक कर देंगे, वो जाएँ आराम से नाम लेते रहें अपना, अगर पढ़ना है तो पढ़ लो शांति से यार, नाम लेना है तो जो मन वो करो। हाँ चलो इधर आयतन और धारिता क्या होती है, ध्यान दो इधर साइड में यार, काम करो नाम होगा, काम तो करो ना, काम करोगे खुद ही नाम होगा, नाम के लिए प्रचार नहीं करना पड़ता, अपना पोस्टर नहीं छपवाने पड़ते हैं, अच्छे काम करोगे खुद नाम होगा। अभी मैं सवाल पूछूंगा सबसे पहले बताओगे मैं आपका नाम लूंगा बिना कहे, मना करोगे तब भी बोलूंगा, लेकिन उत्तर नहीं बताओगे मेरा नाम लो मेरा नाम लो, मतलब मैं तुम्हारा नाम ही लूँ बाकी कुछ ना करूँ, मतलब समझो अच्छा काम करोगे ना नाम होगा, मैं सवाल पूछूंगा जवाब देना। चलो बताओ जवाब दो फट से, घन, घन सुने हो, नाम वाले बोलो, घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जवाब दो जल्दी करो, घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये जिनका नाम लेते हैं ना वो हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, वो पहले जवाब देते हैं सवाल का इसलिए हम उनका नाम बोलते हैं।
चलो बोलो, घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेलिंग बताओ। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। और कोई अगला, एनीवन? उर्मिला मौर्य, अनंत, पूजा। देखो जिन लोगों ने बताया उनका नाम मैंने पहले बोला, अब जो गधा टाइप के बैठे हैं नाम के चक्कर में, वो जिंदगी भर नाम के पीछे रहेंगे। भाई नाम बोलोगे लेकिन आप पहले जवाब दो ना, इतना पीछे कहाँ चले गए मिस्टर ताहिर अली, आप 5वां नंबर पे क्यों चले गए? अभी तक आपने नहीं सुना था क्या? इसको क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, इसके बारे में परिचित हो आप लोग? परिचित हो? ये तो मैंने वर्ग बनाया, अभी क्यूब थोड़ी बनाया है। हाँ, इसको बनाते कैसे हैं, इसमें बड़ा अड़ंगा होता है। देखो मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखा देता हूँ। क्यूब और क्यूबाइड दोनों अलग अलग होता है, ध्यान दो इधर साइड में, ठीक है? इसको पहले वर्ग बनाओ, इसके पेट में से एक लाइन निकालो इधर साइड को, ऐसे। देखो ये इसका मैं एक अभी रियल फिगर दिखाऊंगा, अभी एक रियल फिगर दिखाऊंगा ये क्या होता है, ध्यान देना। ये लो, ये क्या होता है, क्यूब होता है। ये क्या है, क्यूब है, ठीक है? इसका रियल फिगर देख लो, क्यूब के रूप में आपने देखा होगा आपके घर में बाक्स होगा, कोई बाक्स होगा आपके घर में। नहीं तो मैं आपको एक रियल फिगर दिखाता हूँ क्यूब का, ध्यान देना। थोड़ा सा रुकना कुछ सेकंड, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ओहो गिर जाएगा भाई ये, एक मिनट रुक जाओ, मैं लेके आता हूँ आपको एग्जांपल दिखाता हूँ क्यूब का। थोड़ा सा रुक जाओ, बस कुछ सेकंड रुकना, मैं तुरंत लेके आ रहा हूँ। हाँ कुछ सेकंड रुकना, मैं आपको क्यूब का एग्जांपल दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा। हाँ तो मैंने ले आया है भाई, चलो हाँ तो बच्चे आवाज़ आ रही ना, चलो देखो मैंने क्या बात किया, क्यूब। हाँ क्यूब, देखो क्यूब का एग्जांपल देखो इधर साइड में, थोड़ा सा गंदा हो गया ये रखा हुआ था। ये क्या है, ये क्यूब का एग्जांपल है, आपको दिख रहा है ये ऊषा का फैन का डिब्बा है, ये भी एक भारतीय कंपनी है, आप लोग इसका फ़ैन भी यूज कर सकते हैं, साथ में इसका प्रचार भी मैंने मांगे हो गया। हाँ देखो ये ऊपर से भाग रहा है, अगर इसे आप ध्यान से देखो तो चारों तरफ से बराबर है, चारों तरफ बराबर लग रहा है ना, और ये थ्री डायमेंशनल आकृति है, ये क्यूब का एग्जाम्पल है। समझ में आया कि नहीं आया समझ में ना, ये क्यूब का एग्जाम्पल है। लेकिन अभी एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखो, इसको नहीं समझ पाओगे आप लोग। ये क्यूबॉइड है, ये क्या है, ये क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। इसमें दोनों में अंतर लग रहा कि नहीं आपको, ये ऊपर उठ रहा है इसलिए मैं दबाया हूँ, ये क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। किसका है, ये क्यूबॉइड का है, जिसे घनाभ बोलते हैं, ये घनाभ है। जो मैंने फैन वाला दिखाया वो घन है, समझ में आ गया ना? अब समझ में आया, ये घन और घनाभ का मतलब यही होता भैया, ठीक ना? तो घन और घनाभ समझ गए ना आप लोग? देखो इसमें मिट्टी भी लगी थी, काफ़ी दिन से रखा था कबाड़ में, लेकिन हमारी एक बड़ी गंदी आदत है कि हम कोई भी चीज़ जल्दी फेंकते नहीं हैं, और देखो आज उसका परिणाम मैंने आपको दिखा दिया ना। अगर हम इस डिब्बे को फेंक दिए होते तो आज आपको हम क्यूब और क्यूबॉइड का एग्जाम्पल कैसे दिखाते, मतलब ये जान लो एक रूम है जिसमें आधा ज़्यादा कबाड़ ही रखा है। हाँ एक रूम है जिसमें आधा ज़्यादा कबाड़ ही रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी काम आती हैं। जैसे देखो ये बहुत बड़ा काम हुआ ना, आप लोगों को यहाँ पे चित्र बना के दिखाना अलग बात है, लेकिन रियल में दिखा दिए वो अलग बात हो जाती है। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से आगे देखो, अब आगे देखो, आवाज़ सही आ रही ना?
अगर हमें बनाना है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब जो पतला डिब्बा दिखाया था वो इंक वाला डिब्बा है। आप लोगों ने फैन तो पहचान लिया, दूसरा डिब्बा नहीं पहचाना ना। दूसरा डिब्बा इस इंक का है जिसमें 10-12 पीस आता है इकट्ठा, 2,500 का मिलता है। फैन तो सस्ता मिलता है, ये महंगा मिलता है। वो उसका था डिब्बा ही दोनों था। इसके लिए आपको एक आयत के आकार का लगभग बनाना पड़ता है और ऐसे कुछ खींचना पड़ता है इसे। ये क्यूबॉइड होता है जिसे घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? घनाभ बोलते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया ना रियल वाला, इसे क्या बोलते हैं भैया? घनाभ बोलते हैं, या क्यूबॉइड बोलते हैं, इसे घन बोलते हैं। समझ गए ना? सभी को समझ में आया? जो बच्चे उस पर रोग आ रहे हैं PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे, वो PBR स्टडी 3.0 चैनल सर्च करें, आ जाएं, उनका कमेंट हम बोलेंगे, ठीक ना? सभी बच्चे आ जाओ चैनल नंबर 3 पे, जिनका कमेंट उधर नहीं पढ़ा जा रहा है। कुछ तो रो रहे हैं, किसी की नाक बह रही है, किसी के आंसू बह रहे हैं, किसी के पता नहीं क्या क्या बह रहे हैं। सब लोग इस पे आ जाओ, उस पे चिल्लाओ नहीं, ठीक है? चलो, ये हो गया ना क्लियर? लेकिन अभी इतने में ही सारा जो है सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, इसका ये बताओ, आपके घर में क्यूब और क्यूबॉइड का कोई एग्जांपल है आप लोग के घर में? अरे देख लेना यार, किसी का जूता चप्पल का डिब्बा देखना, वो भी क्यूबॉइड के रूप में होगा। हाँ, चाक का डिब्बा देखे हो, वो भी क्यूब के रूप में होता है। तो बहुत सारी आकृतियाँ हैं। लूडो देखे होंगे आपने घर में अपने। लेकिन एक चीज़ तो मैं दिखाया ही नहीं, वो भी दिखा दूँ। अभी जो आपने वर्ग और आयत पढ़ा था, उसमें क्या होता है? सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है। ये देखो भैया, इसमें क्या होता है? सिर्फ लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, सिर्फ यही होता है ना। लेकिन जो क्यूबॉइड है, इसमें इंक है भी, इसलिए थोड़ा भारी है। ये क्या है पता है? इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है। देखो कैसे, यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, रुक जा भाई। देखो इसमें लंबाई होती है, ये लेंथ है, ये लंबाई है, ये लंबाई है ना। इसमें क्या है? चौड़ाई भी है। देखो ये चौड़ाई है, लेकिन इसमें ऊंचाई भी है। क्या है इसमें? इसमें ऊंचाई भी है, इसमें हाइट भी है, लेकिन इसमें हाइट नहीं है, ये 2D आकृति है, जिसे 2D बोलते हैं, और ये 3D है। तो इसका आयतन होता है, इसका क्षेत्रफल नहीं होता है। अगर कहें इस डिब्बे का क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल नहीं होता है, समझ गए ना? अगर आपसे पूछा जाए कमरे का क्षेत्रफल बताओ, तो ठीक है, क्षेत्रफल बता लोगे। अगर कोई आपसे पूछे कमरे का आयतन बताओ, तो समझ जाना नंबर एक का बेवकूफ़ है पूछने वाला, समझ गए ना? अगर कोई आपसे पूछे अपने कमरे का आयतन बताओ, तो जान लेना वो पक्का बेवकूफ़ है नंबर एक का, मतलब उसको पता ही नहीं है, ठीक ना? तो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, उसमें आयतन होता है, आयतन निकाला जाता है। जैसे अगर मैं कोई बात करूं, यहाँ पे कोई डिब्बा उब्बा तो रखा नहीं है भाई, कुछ चीज़ें हैं लेकिन उनका बिना मांगा प्रचार हो जाता है, इस वजह से हम नहीं दिखाते हैं। और कुछ लोग कहेंगे भैया इनका प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत से चीज़ों के यहाँ पे हमारे पास बॉक्स होते हैं, लेकिन मैं उनको अगर दिखाऊं तो क्या होगा? जैसे देखो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, आजकल का बड़ा ही ये ज़रूरी चीज़ है। देखो इसमें समझो, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें वस्तुएँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये डिब्बा देख लो, आप लोग इसको पहचान रहे होंगे, हाँ पहचान रहे होंगे, इसका भी बिना मांगा प्रचार हो रहा है एक प्रकार से। देखो इसमें क्या है, इसमें आयतन होता है। जैसे इसका इसमें लिखा होता है ये 0.5 लीटर का है, मतलब 500 ml का है, 500 ml का है। तो यानी आप कह सकते हो इस डिब्बे का आयतन 500 ml है। कितना है? 500 ml है भाई, थोड़ा ज़्यादा होता है 500 ml से, लेकिन मतलब इसमें आप 500 ml ही भर सकते हो। अगर इसमें ठूंस के भर दोगे तो इसमें विस्फोट हो जाएगा। कोई भी चीज़ आप खरीदते होंगे, उसकी पैकेट पूरा भरी नहीं रहती ऊपर तक, उसमें हल्का जगह दी जाती है एयर के लिए। तो उसी तरह से क्या है ये, इसमें क्या है? इसमें आयतन है। इसको क्षेत्रफल नहीं निकालोगे कि डिब्बे का क्षेत्रफल कितना है, समझ गए ना? इसका क्षेत्रफल नहीं होगा, इसका आयतन होगा। आपके घर में बाल्टी होगी, हाँ आपके घर में बाल्टी होगी, डिब्बे होंगे, डल्लू होंगे, बोतल होंगे। देखो जैसे एक ये भी एक बॉटल है, इसका भी क्या है? इसका आयतन है 1 लीटर। 1 लीटर क्या है? इसका वॉल्यूम है,
लेकिन इसका क्षेत्रफल नहीं है। तो आप ये बात समझो कि कुछ चीजों के क्या होते हैं, जिनमें ऊंचाई भी होती है, लंबाई चौड़ाई तो होती ही है, उनका आयतन निकाला जाता है, उनका आयतन होता है, और जिनमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है उनका क्षेत्रफल होता है। जैसे अगर इसको हमें ऐसे समझना है, जैसे हमें ऐसे समझना है कि एक कमरा है भाई, उस कमरे में कितने लोग बैठ सकते हैं, कितनी चारपाई पड़ सकती है, कितने बेड पड़ सकते हैं, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके लिए उस कमरे का क्षेत्रफल जानना होगा, क्षेत्रफल जानना होगा, और फिर बेड की लंबाई चौड़ाई जाननी होगी। हाँ, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक ना। लेकिन एक बात और सुन लो, अगर कोई एक गैलन है, कोई एक बाल्टी है, कोई एक डिब्बा है, कोई एक बॉटल है, तो उसमें आपको ये पता करना हो इसमें कितना दूध आएगा, कितना पानी आएगा, तो उसके लिए आप उसका आयतन पता करोगे, उसका क्षेत्रफल नहीं निकालोगे फिर, कि डिब्बे में कितना दूध आएगा, इस बोतल में भैया, इस बोतल में कितना पानी आएगा, तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकालोगे, इसका क्या निकालोगे फिर। इसका आपको आयतन पता होना चाहिए, वैल्यूम कितना है इसका, कैपेसिटी, कैपेसिटी एक चीज़ होती है, वो भी मैं अभी बात करूँगा, इसमें यहाँ पे नहीं बात करने वाला हूँ, ठीक ना। तो चलो पहले हम लोग आयतन के बारे में सिर्फ बात करते हैं। हाँ, कैपेसिटी भी आप इसे बोल सकते हो, चूँकि हमारा टॉपिक तो वही है। तो घन का आयतन, जैसे अब अगर हम यहाँ पे आपसे एक सवाल करें, तो आप लोग बताओ, आप लोग बताओ, चलो मैं वही बक्सा दिखा रहा हूँ अभी जो निकाला था, ठीक ना। ध्यान दो, ध्यान दो आप लोग, और जवाब देना। ये बताओ समझ में आ रहा कि नहीं, मतलब कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा कि बस वैसे देखे जा रहे हो। लेकिन संख्या तो भाई कुछ नहीं जुड़ी है, नाम मात्र की जुड़ी है, मज़ा नहीं आ रही। आप लोग क्लास ना शेयर कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो, बहुत से बच्चे ऐसे जुड़े हैं जो क्लास को बिल्कुल लाइक नहीं किए, तो उनको अगर हम बोलेंगे, हाथ हाथ जोड़ेंगे तो वो करेंगे, लेकिन अब इतना टाइम भी तो नहीं ना। देखो यहाँ पे फिर से देखो, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। ये मैं लाया हूँ बाक्स, तो फिर मैं इसको दिखाऊंगा बार बार, इसमें कोई नाम नहीं लिखा, अच्छी बात है। हाँ, तो ये बताओ, अगर इसकी लंबाई, अगर इसकी लंबाई मतलब ये 12 सेंटीमीटर है, कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है, ध्यान दो, और अगर इसकी ऊंचाई, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, क्या है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ध्यान देना, जो मैं बाक्स लिया हूँ इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, और बच्चा इसकी चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताओ। चलो इसका आयतन कितना होगा, जवाब दो फटाफट। ये डिब्बा बहुत संयोग से मिल गया है, मुझे याद आया कि मैं इसको लाके आपको दिखा दूं। चलो बताओ, इसकी लंबाई है 12, ऊंचाई है 4 और चौड़ाई है 3, तो आयतन बताओ। ना आया है ना आएगा ही, कभी नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा। अगर यहाँ भी नहीं समझ में आया तो जिंदगी में नहीं आएगा, चाहे लिख के ले लो हमसे। हाँ, अगर यहाँ भी नहीं समझ में आया तो कभी नहीं आएगा, ना हम कोरे कागज पे लिख के दे दें, कभी नहीं आएगा, कोई तुमको सिखा ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना बड़ा तामझाम कौन करेगा, ये डिब्बा उब्बा कबाड़ वबाड़ बटोर कौन दिखाएगा, मैथ की क्लास में कोई दिखाया आज तक, पढ़ा बहुत लोग देते हैं, हम भी पढ़ा देते, किताब पे चित्र बना देते सुंदर सुंदर, लेकिन रियल में वहाँ कबाड़ से निकाल के कौन लाएगा दिखाएगा। हाँ चलो, तो भाई सिंपल सी बात है, हम सभी जानते हैं, इसका आयतन बराबर आप निकाल लोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करोगे, तो बच्चा सबका गुणा कर लो, 12 4 3। हाँ लेकिन क्या होगा पता है आपको, सेंटीमीटर का क्यूब लगाना नहीं भूलना, नहीं सत्यानाश हो जाएगा, याद रखना, सेंटीमीटर का क्यूब लगाना नहीं भूलना। कुछ बच्चे बता दे रहे हैं सेंटीमीटर, अगर एग्जाम में सीएम लिख दिए ना, तो वो लोग सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर मान लेंगे, और फिर तुम्हारा गलत कर देंगे बच्चा, ठीक ना, गलत कर देंगे, सब सत्यानाश हो जाएगा, याद रखना, इसलिए सीएम मत लिखना, नहीं सीएम से डीएम बना देंगे तुमको। तो चलो,
आगे चलते हैं हम लोग। पानी नहीं है यार यहाँ पे भाई, पीना है थोड़ा सा, लाना तो मुझे कोई पड़ेगा, बगल में थोड़ी ही दूर पे है। आज यहाँ पे मेरे पास कोई है भी नहीं, हम अकेले ही हैं। हमारे एक मित्रगण थे वो चले गए लाइसेंस बनवाने, एक और भी थे वो भी अपने अपने काम से सब जा रहे हैं, हम ही नहीं जा रहे हैं कहीं बस, क्योंकि हमारा तो सबसे बड़ा काम यही है। चलिए अब एक सवाल और आप लोग लिख लो, एक सवाल और लिख लो भैया। ये तो गई यार मोबाइल, ये चार्ज नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, मुझे कुछ करने दो भाई, थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ सेकंड रुक जाओ बच्चे। ओ थोड़ा सा आप लोग रुक जाओ, ये दूसरा वाला जो चैनल पे लाइव है ना, इसका जो सिस्टम है वो डाउन हो रहा है, लैपटॉप भी नहीं चार्ज है और ये फ़ोन भी नहीं चार्ज है, दोनों कनेक्ट होता तो चलता है। चलो ठीक है, तो एक सवाल हम यहाँ पे दे रहे हैं, आप ध्यान देना उसे, बड़ा ही ईमानदारी से देखना आप सभी लोग। देखो दूसरा सवाल देखो, अगर एक लिखो लिखो सवाल, किताब से लिख लो। क्वेश्चन है, एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई, एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और भाई क्वेश्चन सुनो, दिमाग से सुनो, कान से सुनो, एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताओ, इसका आयतन बताओ। इफ़ अ पेंसिल बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर ब्रॉथ एंड 3 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ दिस बॉक्स, देन फाइंड द वैल्यूम ऑफ दिस बॉक्स। ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में ना, चलो जवाब दो फट से, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता भाई, नंबर एक पे कौन जाता है और नंबर दो पे कौन जाता है, सबसे पीछे कौन जाता है, सबसे पीछे जो जाएगा जान लो सबसे अच्छा वही है। तो सभी बच्चे जवाब दो फटाफट, जल्दी जल्दी से, देर नहीं करो बच्चे, और मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, फटाफट बताए रहो। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, चलिए ठीक है। काहे को गिर रहे हो यार, आ गया सभी का। ये भैया जो धरती ग्रह पे हैं उनका तो सही है, और जो मंगल ग्रह वाले हैं उनका गलत है। यार कितनी बार बताऊं कि आप सभी चैनल नंबर 3 पे आ जाओ, लेकिन कौन सी दुश्मनी है, काहे नहीं आ रहे हो, सिर्फ 2 दिन के लिए बुला रहे हैं, उसके बाद मत आना, कभी नहीं बुलाएंगे। जो 50 बच्चे देख रहे हैं PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पे, बाबू हो भैया हो, आप सभी PBR स्टडी 3.0 सर्च करो यूट्यूब पे और जल्दी से आ जाओ ना यार। PBR स्टडी 3.0 पे नहीं मिल रहा तो लास्ट में स्कूल लिख देना। सभी बच्चे आ जाओ जल्दी से यार, उसमें रहोगे कमेंट भी नहीं पढ़ेंगे, हाँ इसमें आओगे आपका नाम बोलेंगे, और आपका नाम होगा तो अच्छा लगेगा, आपको भी मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो राधिका गुप्ता का उत्तर आ गया इसमें से, मानसी शर्मा ने भी बता दिया भैया, और बहुत से बच्चे ने बता दिया, ज्योति ने, संदेश, स्नेहा और अनुपम और कौन कौन, सभी बच्चे ने बता दिया भाई, उसमें सभी में और भी हैं, नीतू, जानवी। चलो ठीक है, पहला नंबर तो जिन लोगों ने सेंटीमीटर का क्यूब नहीं बताया उन लोगों ने गलत किया है, हाँ जिन लोगों ने सेंटीमीटर क्यूब नहीं बताया उनका गलत है। आयतन बराबर सबका गुणा कर लो, 20 गुणा 6 गुणा 3 गुणा कर लो, उत्तर हो गया। हाँ चलो इनका गुणा कर लो, 6 3 18 18 2 36 360 सेंटीमीटर क्यूब, 360 आएगा, 360 आएगा, ठीक ना। मुकेश भाई परमार जी का है को वहाँ हैप्पी हो रहे हो, आ जाओ ना, आप भी आ जाओ ना, आ जाओ, सबको पानी पिलाते हैं, जल्दी से आओ। नहीं आओगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी देखो, वहाँ भी वही चल रहा है, यहाँ भी हम ही दिखूँगा,
हमारी ही शक्ल दिखेगी वहाँ, कोई और नहीं दिखेगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब ये टॉपिक भी लगभग इसमें ख़त्म है। 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार भरेंगे? बताइए, 1 लीटर का बर्तन। अब जो चीज़ आ रहा है ना, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ताहिर अली, आप ये बताओ सही चल रहा है कि नहीं? ये बड़ा नीचे मार रहा है भाई, एकदम नीचे तक दिख जा रहा है यार। मतलब ये डिब्बा उब्बा भी दिख जा रहा है, ये तो गड़बड़ है यार, सीधा सीधा गड़बड़ है ये। रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सही करता हूँ। चलो ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे। हाँ, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग क्या करेंगे वो आप लोग देखना, आपके सामने ही चेंजिंग होगा। ये बताओ आप लोग, जैसे मैंने कहा कि ये 1 लीटर का डिब्बा है, इसमें 1 लीटर पानी भी मैंने भर दिया, दिख रहा है कि नहीं पहले ये बताओ? पानी दिख रहा है आप लोग को? मतलब हिल रहा है ना, पानी दिख रहा है ना, वाटर दिख रहा है ना? तो इसमें कितना ml पानी है ये बताओ। ml सुने हो, दवाई ववाई पिलाई जाती बच्चे को किसी को, तो उसमें आता है ना। हाँ चलो, PBR के बाद स्टडी लिखो बच्चा, स्टडी लिखो भैया, लिखो। चलो देखो, बहुत से बच्चों को पता है कि 1 लीटर में 1000 ml है, बिल्कुल बहुत सही। अनंत पांडे आ गए आप, बहुत अच्छे। सनी कुमार, रविशंकर, टेक्निकल शर्मा, अनंत जी आज आपके नवा राशि आ गए हैं, जिनका नाम है पूरा अनंत मिश्रा। तो मैंने सोचा आप ही रूप बदल के आए हो, मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप वही अनंत हो जो रूप बदल के आए हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम दूसरे अनंत हैं। PBR स्टडी 3.0 सर्च कर लो बच्चा, आ जाओ। जिनको भी कमेंट अपना बोलना है पढ़ना है, आ जाओ फटाफट, जल्दी आ जाओ। चलो हैप्पी मिस्टर, वहाँ जो मुंह बना रहे हो चार तरफ को ना, तुम भी आ जाओ यार। क्वेश्चन है, 1 लीटर में कितना ml, मतलब मिलीलीटर, हाउ मैनी ml इन 1 L। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, समझने की कोशिश करो। भैया हैप्पी नाम है आपका, गुस्सा काहे को कर रहे हो? नाम तो हैप्पी है, थोपड़ा ऐसे बना रहे हो, काहे ऐसा कर रहे हो? चलो देखो, कुछ चीज़ें आपको समझनी है। हाँ, कुछ चीज़ें आपको समझनी है। आपने सुना होगा 1 लीटर, आधा लीटर, 1 पाव, ये हम लोग की ज़िंदगी में आता है ना। हाँ, हम लोग की ज़िंदगी में प्रयोग होता है। हम लोग दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, तेल लेते हैं, बहुत सी ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं जहाँ पर हम बोलते हैं कि भैया 1 लीटर दूध। और जो स्टूडेंट लाइफ में हो, कभी 1 लीटर दूध नहीं लेते हैं, वो सिर्फ 200 ml, या बहुत ज़्यादा अच्छा धनी अगर लड़का है तो 500 ml, बस उससे ज़्यादा कोई दूध नहीं लाता ना। तो क्या बोलते हैं हम लोग? लेकिन हम लोग दुकान वाले से ही नहीं बोलते हैं कि 500 ml दूध दो है दो, क्या बोलते हैं? आधा लीटर वाला, हाँ ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन आपको पता है, अगर आप उस दूध को देखो ध्यान से, तो उसमें कहीं आधा लीटर नहीं लिखा रहता है, उसमें आधा लीटर नहीं लिखा रहता है। दूध की पैकेट देखो, उसमें लिखा रहता है 500 ml लिखा रहता है ना। अगर आप 1 पाव वाला लोगे तो उसमें लिखा रहता है 250 ml या 200 ml। ml मतलब मिली लीटर, लीटर के छोटकी इकाई, समझ रहे हो ना? तो 1 लीटर में कितना होगा? 1000 ml होगा। क्या होगा? 1000 ml होगा, ये बात याद रखना आप लोग। हाँ, तो सवाल क्या था भैया? सवाल ये था कि अगर 1 लीटर में 1000 ml है, 1 लीटर में 1000 ml है, और ये 50 ml की एक डिब्बी है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है आप सभी बच्चे के लिए, छोटे बच्चों के लिए है ये। ये मान लो क्या है, 1000 ml का एक बॉटल है और ये 50 ml की डिब्बी है। अब अगर हमें इसमें से पानी भर भर के इसमें डालना है, ये 50 ml की है, ये 1000 ml का है, तो कितनी डिब्बी इसमें पलटेंगे जिससे ये बोतल भर जाए?
जल्दी बताओ, सबसे पहले जवाब दो जो नाम लेने वाले हैं। चलो, कितनी बार इसमें मैं पलटूं कि ये भर जाए पूरा? बोलो, जवाब दो, जल्दी करो। कितनी बार भाई? ये 50 ml है और ये 1000 ml का डिब्बा है, इसमें हमें भर भर के पलटना है, पलटना है, पलटना है, नापना है। कितनी बार पलटें? देखो भैया, धरती ग्रह वाले बता रहे हैं 200 ml, मंगल ग्रह वाले 20 ml बता रहे हैं, और जो कुछ चंद्रमा से आए हैं वो लोग कुछ और बता रहे हैं, 100 बता रहे हैं। चलिए, इकाए को लुप्पर दुप्पर कर रही भाई, चार्ज हो रही कि नहीं हो रही? 200 डिब्बी कोई बता रहा है, कोई 20 बता रहा है। यार मतलब तुम लोग इंसाने तो हो ना, देखो इधर। अरे भाई साहब एंड दीदी साहब लोग, देखो इधर भाई, कभी कभी ऐसे आप लोग बोलते हो ना, इसलिए मैं बोल दिया। देखो, 0 से काट दोगे 0, 5 से इसको काट दो, 20 आएगा ना। हाँ, 5 × 2 = 10, 2 0 इकट्ठा मिल जाएगा, 20 आएगा। ये 200 वाले कहाँ से आए हैं? मतलब यही आए थे चंद्रमा से का? 200 कैसे आएगा जी? अरे भाग देना नहीं आता तुम लोग को, 1000 से भाग नहीं कर पा रहे हो। 200 मतलब जानते हो कब होता? मतलब 20 को 200 कर दोगे, आप लोग को तो बैंक में रखने लायक है, आप लोग को बैंक में रखने लायक है। जहाँ पर किसी को 1 लाख का कर्जा देना ना, उसको 10 लाख का दे देना, और फिर बैंक वाला क्या करेगा पता है आपको? इसलिए बैंक का एग्जाम हार्ड होता है, बैंक वालों को शारीरिक मानसिक रूप से बहुत ही स्वस्थ रखा जाता है, क्योंकि अगर वो 1 0 बढ़ा दिए ना तो बहुत बड़ा कमाल हो जाता है भाई। सिर्फ 1 0 बढ़ा देंगे तो 1 लाख का 10 लाख बन जाएगा, सिर्फ 1 0 एक्स्ट्रा हो गया बस। आप तो कहोगे हमने तो सिर्फ 1 का 0 ज़्यादा लगाया था। हाँ, वो लोग सोच रहे होंगे जो 200 लिखे थे कि हमने तो सिर्फ 1 ही 0 ज़्यादा लगाया था, लेकिन आपको पता है 1 लाख में अगर 1 0 और लगा दोगे तो 10 लाख हो जाएगा, इस तरह फिर 9 लाख का नुकसान हो जाएगा बैंक को। तो ऐसे ही लोग बैंक में रखने चाहिए आप जैसे लोग ना, जहाँ 20 करने का वहाँ 200 कर दो। चलो अच्छा ठीक है, आपकी एक बुद्धि और आजमाते हैं थोड़ा सा। चलो इधर साइड में देख लो बच्चा लोग। हाँ, अरे चौधरी जी ध्यान से देखो, काहे परेशान हो? महेंद्र चौधरी देख रहे हो ना? अरे यार उस चैनल वाले जो बुला रहे थे वो कहाँ भाग गए यार? मतलब ना यहाँ आए ना वहाँ आए, लापता हो गए देखते देखते। देखो चलो, अगर ये 75 ml का डिब्बा है भैया, आप बताओ, मैं छोटका से नहीं भरूंगा, मैं इससे भरूंगा, आप बताओ। ये 75 ml का डिब्बी है, ये 1000 ml का बॉटल है, अगर हमें इस डिब्बी में पानी भर भर के इसमें पलटना है तो कितनी बार भरेंगे ये भर जाए? बोलो कितनी बार पलटेंगे? 2 बार 4 बार 5 बार? ओमवीर सिंह आवाज़ नहीं आ रही क्या यार? ओमवीर सिंह आवाज़ नहीं आ रही हमारी क्या? बता देना, कोई दिक्कत होगी तो निसंकोच बोल देना, ठीक ना? चलो, नॉट प्रॉब्लम। खुशबू यादव आवाज़ आ रही ना? एकदम क्लियर है ना? दिक्कत होगी तो निसंकोच बोल देना, ठीक ना? आ रही आवाज, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम, एकदम क्लियर है। खुशबू यादव आवाज़ आ रही ना? एकदम क्लियर है ना? मैंने बोला था 75। देखो कोई तो 0.000 लगा दे रहा है। अरे डिब्बी मत बोलो यार, डिब्बा बोलो भाई। देखो इसमें सीधा से ही करना है, हमें 1000 में भाग देना है। किससे देना है? 75 से भाग देना है। लेकिन बेचारे जो कभी गुणा भाग करे ही नहीं है, उनके लिए आज तो ये ऐसा लग रहा है जैसे गांव में ऊँट आया है और वो ऊँट पहली बार आया है, उनके लिए ऐसा ही लग रहा है। इसको काटना है, पीटना है, काट पीट लो ना यार। 25 से काट दो, 25 × 75, 25 × 100 = 40 आ गया। इनको किनारे लाके निपटा लो, ये 40/3 कर लो ना, कितना आएगा? भाग दे लो दशमलव में आएगा, जो 15 बता रहे ना वो मंगल ग्रह वाले हैं। मतलब 15 कैसे हो गया भाई साहब?
पच्चीस चौका 140 आया, 25 दूना 50, 25 3 75, हम सही तो लिखे हैं ना, सही लिखे हैं ना शुभम, आलिया अंसारी, संदीप। अरे भैया इसको भाग दे लो यार बाबू, 3 से भाग दे लो, 3 1 3 1 0, 3 3 9, 1 0। अरे ये 13.3 लगभग आएगा, ये कोई 13 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है। एक सुमित कुमार है, वो है ही लिख दिए हैं 3 3 3, उनका मतलब 3 डिब्बी दाव भर जाए, मतलब 75 ml का, 75 ml का वो छोटा वाला बॉटल है, 3 बार भरेंगे तो 1000 वाला भर जाएगा। कमाल करते हो यार आप लोग तो भाई, कमाल करते हो एकदम, काहे को इतना कमाल कर रहे हो। तो बच्चे इतना देर हो गया, लगभग 2 घंटे, आप लोग क्लास को कब लाइक करोगे, मतलब अगर बत्ती वत्ती जलानी पड़ेगी का, जल्दी से करो यार, हाथ वाथ तो कई बार जोड़ा हूँ, बोला हूँ, जल्दी से सभी बच्चे लाइक करें, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो यार आपकी कुछ जिम्मेदारी है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, अगर हम दोनों लोग समझेंगे तो अच्छा होगा। और हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी पे चल रहे हैं, यानी आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी हो सकता है सब कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग की ये जिम्मेदारी है कि अगर हम आपको 3 घंटे पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप क्लास को शेयर करो, दोस्तों में खूब शेयर करो। अभी एक लड़की डांस कर दे, अगर कोई भद्दा सा कोई वीडियो आ जाए उसको खूब वायरल कर दोगे। अरे वो देखे हो ना, एक जो माँ बहन की गाली दे के वीडियो बनाता है यूट्यूब पे, नाम नहीं बोलूँगा नहीं प्रचार हो जाएगा, उसके 25 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, इसमें कुछ लोग का नाम भी पता होगा, केवल गाली देता बस, क्योंकि तुम लोग वही सुनना चाहते हो ना, ये मैं तो मज़ा नहीं आती, नींद लगती ना, क्या करोगे, ये भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे ऐसे नालायक पैदा हुए। चलिए आगे चलें, तो अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये आवाज़ इसमें से रिटर्न आ रही, भाई रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़े, तो ये सब आप पढ़ लिए हो, अब हमारा मन तो नहीं कर रहा आगे पढ़ाने का, क्योंकि संख्या 20-30 जुड़ी है यार, क्या मतलब है, 3 घंटा सोचा तो था लेकिन, हाँ 3 घंटा सोचा था लेकिन मुझे नहीं लग रहा 3 घंटा चलेगा, 2 घंटा होने वाला है, लेकिन आप लोग शेयर करोगे ही नहीं तो मैं क्या करूँ यार। 50 बच्चे इसमें जुड़े हैं कम से कम, उसमें भी 50 से कम ही है, 100 से ऊपर दोनों में मिला के नहीं है, दोनों चैनल पे मिला के 100 से ज़्यादा नहीं है। हाँ तो ऐसा पढ़ाने से क्या मतलब है, अगर 100 बच्चे भी नहीं क्लास में, 3 घंटा का है कोई चिल्लाए। चलो 8 बजे बंद कर देंगे, उसके पहले ही बंद कर देंगे, जाने दो, तो तुम लोग पढ़ना चाहते ही नहीं हो, ठीक है, अब जिनको पढ़ना होगा फीस जमा करके और ऐप के अंदर पढ़ना, बड़े ही प्यार से पढ़ोगे अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्री में पढ़ाना आप जानते हो यहाँ बड़ा तामझाम करना पड़ता है। हाँ तो वो करोगे अच्छा रहेगा, फिर मुझे भी टेंशन नहीं रहेगा, तुमको लोग को भी टेंशन नहीं रहेगा। चलो क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैं क्या करूँ, भिन्न में बदलिए, क्वेश्चन लिखो क्या है, 0.379 को भिन्न में बदलिए, क्वेश्चन है पहला, 0.379 को भिन्न में बदलना है, इसमें से कौन कौन कर लेगा बताओ, जवाब दो फटाफट बोलो, कौन कौन कर लेगा। सोचा तो मैंने भी था कि 6 बजे फिर 9 बजे चलेगा, लेकिन यार आप लोग क्लास को ना शेयर करोगे ना लाइक करोगे कुछ नहीं करोगे, तो मैं क्या करूँ, बार बार ही बोलता रहूँ तभी तो क्लास की कोई मतलब नहीं, जाने दो। देखो यहाँ पे 3 अंक पर दशमलव लगा है, भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर जो नंबर दिया गया है उसको पहले वैसे उतार लेते हैं प्यार से, उसी की दशा में जैसे है। इसमें देखो 3 अंक पे क्या लगा है भैया, 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। अब 1000 से गुणवा काहे को करेंगे, 1000 से गुणा इसलिए करेंगे जिससे कि ये दशमलव 3 अंक दाहिनी तरफ भाग जाए, लेकिन मैथ में ये नियम है,
कि अगर गुणा कर रहे हो तो भाग भी उसी से करना पड़ेगा, नहीं तो सारा सवाल सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको करेंगे, तो फाइनल में हमारा जो उत्तर आएगा 379.000 आएगा। नीचे ये 3 बार सुनना आएगा। इतना बात आपकी पक्की हो रही बच्चा? चलो, इस तरह से आपका 379/1000 आएगा, नीचे 1000 आएगा। चूँकि दशमलव के बाद का जो जीरो है उसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। अंजलि पाल, आलिया अंसारी, प्रियंका राधिका, आपकी बात तो मैं समझ रहा हूँ, सब जानते हैं, करवा दें पढ़ा दें तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी भी तो कुछ उम्मीदें होती हैं ना कि बच्चे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने देखें। लेकिन यार आप लोग जब नहीं करते हो तो मैं क्या करूँ। हाँ मुझे पता है इसमें बहुत से बच्चे हैं जिनकी वजह से ये चैनल चल रहा है, जिनकी वजह से हम चल रहे हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, उनके लिए तो हम हर समय हाजिर हैं। चलिए, अगर इसमें एक और भी छोटा सा सवाल मैं जोड़ दूं तो इसका जवाब दो, 0.750, इसको दशमलव में बताओ, दशमलव में बदलो, जल्दी करिए। कौन है भैया इधर आए हैं? अर्जुन सैनी, अभी अभी आए हो क्या आप? जल्दी बोलो उसका आंसर। रविशंकर जी गलत है, रविशंकर ने बताया गलत है। ताहिर अली बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है बच्चे, ऐसे ही लड़के चाहिए। देखो ज़्यादा बात करने से क्लास की जो मतलब है ना वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा बात नहीं, चलो आगे। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखो तो दशमलव सिर्फ 2 अंक पे है, दशमलव सिर्फ 2 अंक पे है, इधर के बाद का दशमलव का इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, चाहे जितनी बार दशमलव लगा दो उसका कोई मतलब नहीं है, ये फोकट में लगा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं अब, क्योंकि ये ज़्यादा जगह छिका रहा है। चल भाई उधर किनारे हो जा। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 750/1000। अब आप समझ गए लेकिन हम कैसे लिख सकते हैं ना, ये चीज़ तो आप समझ गए। अब देखो ध्यान दो, ये कैसे हुआ, इधर मैं पहले में बताया था, नहीं देखे हो थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लो, ये 1000 क्यों हुआ, कैसे हुआ, इधर बताया था। इसको फाइनल में आप देखो तो एक सुन्ना से एक सुन्ना कट जाएगा, ये 75/ क्या आएगा बच्चा, 100 ना। इसको फाइनल में सिंप्लीफाई करके तब आंसर बताओगे, ऐसे नहीं बता दोगे 75/100। मतलब किसी को खाना परोसना है तो ऐसा नहीं कि ले जाके दाल उबाल दो दे दो उसको, अरे दाल उबालोगे, नमक हल्दी डालोगे, फ्राई करोगे, तब वो खाने लायक होगा ना, तब वो दाल कही जाएगी ना। ऐसा नहीं कि पानी डाल के उबाल दिए उसको ले जाके परोस दो दाल बन गई, बात समझ गए ना। तो वैसे इसमें भी क्या करना पड़ेगा, चटनी अचार मिला के इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी इसको काटो पीटो, तो 75 × 25 = 100, कुल मिला के इसका आंसर आएगा 3/4, कितना आएगा 3/4, ये आंसर आएगा। जो इसको ढकेले पड़े थे उनका गलत है। हाँ कुछ लोग के दिमाग में ये उथल पुथल मची होगी कि भैया ये 379 एका तो नहीं काटे पीटे रहा काहे लिए, इसको नहीं काटे पीटे थे काहे लिए, क्योंकि ये टेढ़ा था, कटने पीटने लायक नहीं था, ये डिवाइड हो ही नहीं रहा था, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, और एक प्रकार देखें तो लगभग ये अभाज्य संख्या भी मुझे लग रही, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए छोड़ दिया गया था। बात समझ में आ रही ना? चलो ठीक है, तो अब इसमें हम थोड़ा परसेंटेज भी पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ब्लॉक कर दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनको कभी बहुत देर से सोच रहा था, लेकिन ये बच्चा जो है ना ये पढ़ने वाले हैं ही नहीं, भगवान ने इनको इसीलिए बनाया है कि जाओ तुम बच्चा सबको परेशान करना और 4 गाली सुनना तुम, इसीलिए इनको भगवान ने बनाया है। चलो ठीक है, गए उनको मैंने विदा कर दिया, बाय बाय हो गए। देखो ये हो गया क्लियर, अब ध्यान दो, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम लोग बताओगे भाई। चलो मैं बोलते बोलते थक गया, मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ इधर से पंखे की आवाज आएगी बस, बाकी कुछ नहीं।
इसका आंसर बताओ। चलो चलो जवाब दो, क्या आएगा फटाफट बोलो, इसका आंसर बोलो। इसको आप भिन्न में बदलोगे तो क्या आएगा भाई? दाल की तरह फ्राई करके बताना, एकदम कंप्लीट करके, ऐसा नहीं बता दो 825 बटा 100, 1000 कुछ भी। हाँ चलो मिस्टर हैप्पी जी, अगर आप भी आप देख रहे हो, क्योंकि देख रहे होंगे, वो कमेंट नहीं आ रहा है, तो आप सुधर जाओ, चैनल नंबर 3 पे आ जाओ, आके पढ़ सकते हो अभी। हाँ इस पे आपका कमेंट दिखेगा, लेकिन नालायकी वाला काम करोगे तो फिर गड़बड़ है ना। देखो टेक्निकल शर्मा जी, आपने उत्तर कंप्लीट नहीं दिया। इधर साइड में भैया परमेश कुमार ने बताया है, नैतिक ने बताया है, नैतिक ने शायद कंप्लीट करने की कोशिश किया है। अश्वनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आपने थोड़ी बहुत राहत तो दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसका आंसर आपको पता है, 3 अंक पर दशमलव है। अरे यार सीधा फीदा बन जाते तो कौन सी बुराई थी। तीन अंक पर दशमलव है तो इसमें 1000 करोगे, लेकिन इसको आप काटो पीटोगे, सिंपलीफाई करोगे। कोई 29 बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, सिस्टम सारा इतना हैंग कर रहा है सब ना, लैपटॉप भी वैसे कर रहा है, मोबाइल भी वैसे कर रहा है, लग रहा है इन लोग की आज ही मतलब विदाई है। ध्यान दो इधर साइड में, इनको काटो, 25 से कटेंगे का, ये 25 से कटेंगे का, काट दो, 25 तीन 75 बचेगा, 5 2 7, 25 तीन 75, 25 चौका 100। अब भाई जिनको काटना पीटना नहीं आता ना, वो जीरो लेवल की मैथ एकदम स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि आज हमारी हिम्मत नहीं आगे बताने की, मैंने बहुत घोल दिया इसमें, ठीक ना बच्चे? नोट कर लो जल्दी से। और हाँ जो बच्चे हमारे साथ बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं एकदम शुरू से, जिनको मैथ में कुछ नहीं आता, आम घास कुछ नहीं जानते हैं, मतलब सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे पैसा भी नहीं जोड़ पाते हैं, तो उनको भी मैथ हम सिखाते हैं एकदम शुरू से, आप उन्हें बता देना, सूचित कर देना। हाँ वो पढ़ सकते हैं। PBR स्टडी चैनल पे देखो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, संपर्क करेंगे, उनको आएगा, पूरा आएगा, लेकिन उन्हें शुरू से देखना होगा। उसके लिए कंडीशन होगी कि वीडियो को वो कभी भी YouTube पे डाउनलोड नहीं करेंगे, और जब भी वीडियो देखेंगे YouTube पे आके देखेंगे, कोई दूसरे जुगाड़ से उसको कहीं भी इकट्ठा नहीं करेंगे। अगर इतना करेंगे तो हम उन्हें सिखा सकते हैं। हाँ मुकेश भाई परमार आ गए यहाँ पे, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है आ गए, लेकिन बच्चा यहाँ पे होश हवास में रहना, एकदम होश में रहना, दारू वारू पियो, नशा उतार के आओ। चलो अब मैं कुछ चेंज करूँगा, बहुत हो गया ये, मैं भी परेशान हो गया हूँ, जाने दो इसे, हटाओ। हाँ एक दिन एक कमेंट आ रहा था ये एक एक नियम वाले सवाल के लिए, हाँ एक एक नियम वाले सवाल के लिए कमेंट आ रहा था, अच्छी बात है ये मिल भी गया, ये मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ जूली, आपने देखा होगा अभी एक लड़की का नाम आया था कोरोना टाइम में, एक लड़की का नाम आया था जिसने दिल्ली से लेकर के दरभंगा बिहार तक अपने पापा को गई थी साइकिल चला के, क्योंकि इस देश में इतने नालायक टाइप के लोग बैठे हैं राजनीति में ना, कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ था ना, उसने बहुत लंबी दूरी साइकिल से चलाई थी, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर सवाल है, वैसे ही कुछ यहाँ पर सवाल है, लिखो। जूली एक घंटे में 1.05 किलोमीटर साइकिल चलाती है, क्या करती है जूली 1 घंटे में साइकिल चलाती है, कितना 1.05 किलोमीटर चलाती है, तो ये बताओ कि 12 घंटे में वो कितनी दूर साइकिल चलाएगी, मतलब तुम फिर यहाँ पे वही करने लगे, तुम्हारा नाम हैप्पी है तो मैं क्या करूँ तुमको, मतलब आगे क्या बोलूँ, चलो बताओ 12 घंटे में वो कितना दूरी साइकिल चलाएगी, बताओ जवाब दो। अब यहाँ पे फालतू कमेंट करोगे तो तुम इसमें भी ब्लॉक हो जाओगे, ठीक ना, अभी एक लास्ट उम्मीद है तुम्हारे पास बच्चा। आई एम गर्ली, माई नेम इज हैप्पी, हाँ ठीक है तुम गर्ल हो, तुम्हारा नाम हैप्पी है मैंने जान लिया, ठीक है हैप्पी रहो, लेकिन फालतू का कमेंट करके लोगों को परेशान मत करो, क्लास देखो अच्छे से प्यार से पढ़ो ना। चलो
एक घंटे में भैया चला रही 1.05, तो 12 घंटे में इनका गुणा कर लो, 12 इंटू 1.05 का मल्टीपल कर लो, पूरा गुणा करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे 0.5 है लास्ट में, तो कितना होगा ध्यान दो, 12 पंचे 60, हाफ ही लाया कितना 6, 12 का शून्य में करोगे तो ये शून्य हो जाएगा, 6 जोड़ दोगे 12 एकम 12, टू डिजिट पे पॉइंट था, यानी लगभग 12.5 किलोमीटर। कितना हैप्पी जी ने उत्तर दे दिया, बहुत अच्छे हैप्पी, वेरी गुड, 12.60 किलोमीटर। ये आप जानते हो बड़ा आसान था, सीधा फीधा कर लिए, लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला है, हाँ ठीक ना, ऐसे नहीं काम चलने वाला है। एक सवाल बताओ और थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। चलो एक बड़ा ही फेवरेट वस्तु का नाम आपको बताते हैं, लिखो, यदि 18, अरे भाई चॉकलेट नाम है तो तुम काहे लेट जा रहे हो, तुम तो सीधा रहो, चॉकलेट की कीमत ध्यान से देखो और लिखो, 90 रुपया है, 18 चॉकलेट की कीमत 90 रुपया है, तो 7 चॉकलेट की कीमत बताओ भाई, चलो सभी बताओ, जल्दी करो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 18 चॉकलेट की कीमत 90 रुपया है, तो 7 की कीमत बताओ। देखो ताहिर अली ने सबसे पहले उत्तर दिया, नैतिक सिवहरी, ये लोग चैनल नंबर 1 पर हैं, सबसे पहले बताए हैं, इधर साइड चैनल नंबर 3 पे पूजा कुमारी, इन्होंने बताया सबसे पहले, और उसके बाद में निशा प्रजापति, तो भैया इतना लंबा बता दी कि कोई गरीब खरीदे ना पाए, ये तो 630 रुपये बता रही, पता नहीं चॉकलेट है कि कुछ और है। गौरव सिंह जी नमस्कार, और बताइए ठीक है ना। देखो पहले तो इसमें आपको दिमाग थोड़ा सा उल्टा लगाना पड़ेगा, हाँ ये 630 वाले जो है ना, ये मंगल ग्रह से आए हैं, 630 वाले मंगल ग्रह से आए हैं, धरती वाले जो हैं वो समझें, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज ये लोग नहीं समझते हैं। देखो पहले यहाँ समझो, आप इनका हल लिखो बच्चों की जैसे हल करो, यहाँ पे लिखोगे चूँकि 18, मैं लिखूँगा नहीं चूँकि मार्कर की स्याही बड़ी महंगी है, हाँ बहुत महंगी, इसलिए मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बोलूँगा बस, क्योंकि पानी सस्ता है स्याही महंगी है, तो मैं पानी पी पी के बोलता रहूँगा। लिखो चूँकि 18 चॉकलेट की कीमत बराबर 90 रुपया, चूँकि 18 चॉकलेट की कीमत बराबर 90 रुपया, इसलिए देखो चूँकि की जो चिन्ह होता है ऊपर 2 बिंदी होती है, नीचे 1 बिंदी होती है, इसलिए मैं नीचे 2 बिंदी होती है ऊपर 1 बिंदी होती है, ये साइन बना लेना तो लोग जानेंगे, पढ़े लिखे लोग हो आप, हाँ इसलिए एक चॉकलेट की कीमत बराबर 90/18, इनको काटोगे बराबर 5 रुपया, यानी आपको पता हो गया कि वो बच्चा बिल्कुल गरीब टाइप का था, लेकिन उसको शौक थी तो ले लिया था 5-5 रुपये वाला। अब नीचे क्या लिखोगे, इसलिए 7 चॉकलेट की कीमत बराबर 7×5=35 रुपया। अब भाई किसी फेवरेट के लिए लिया होगा, कैसे भी करके लिया बेचारा, चलो लिखो, इतना समझ में आया नोट कर लो फट से। मिस्टर बीएन पांडे कुछ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, समझ में आ गया ना। ऋषभ वर्मा हाँ आया, बहुत अच्छे हो आप। चलो यदि 4 किलो चावल का मूल्य 68 रुपये है, तो 9 किलो चावल का मूल्य बताओ, चलो बताओ जवाब दो। चार केजी चावल का मूल्य 68 रुपीज है, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 9 केजी राइस। देखो यार हमारी आवाज़ समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग, हाँ समझ पा रहे हो कि नहीं। नैतिक जी ने उत्तर भी बता दिया, बहुत अच्छे नैतिक जी, लग रहा है आप 4 कान से सुनते हो क्या, ये लोग तो 2 है लेकिन 1 ऐसे सुनते हैं।
एक से हमारी बात सुनते हैं, एक से कुछ और सुन रहे हैं। और कोई बताएगा? अली सिहरी का भी आ गया भैया, अली का भी आ गया, ताहिर अली, बहुत अच्छे। इधर साइड वाले आपकी कहाँ चले गए भाई, कौन से जगह चले गए ये लोग? दुर्गेश कुमार का 578 आ रहा है, गुड्डू का 144 आ रहा है, संदीप का भी 578 आ रहा है। मतलब इस चैनल वाले का चैनल नंबर 3 पे सबका बहुत ज़्यादा लंबा आ रहा है, और जो चैनल नंबर 1 पे हैं वो सब 153 में फिक्स हैं। पता नहीं क्या क्या बात है आप लोग की यार। मतलब इधर वाले खच्चर टाइप के हैं, गधा टाइप के जिन्हें बोलते हैं, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं पता। आम घास कुछ नहीं पता इनको, कुछ भी नहीं पता। 153 सही आंसर है, बाकी जिन्होंने लिखा सब गलत है। 153 सही है, बाकी जिन लोगों ने लिखा गलत है। और ये खच्चर गधा, मैं मजाक में बोलता हूँ यार, कभी दिल से मत लेना, सीरियसली मत लेना। बस पढ़ते रहो, थोड़ा सा मतलब नींद ना लगे, थोड़ा सा बोर ना हो, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर ऊट पटांग बोलते रहते हैं। चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो भाई, 4 kg चावल का मूल्य बराबर, लिखो लिखो कापी में, लिखो पेन से, लिखो कापी नहीं तो भूई में लिख लो, जमीन पे लिखो। चूंकि 4 kg चावल का मूल्य बराबर बराबर भैया कितना, 68 रुपये, इसलिए 1 kg चावल का मूल्य बराबर 68/4 पहाड़ा पढ़ लो 17 आ जाएगा। अरे ये सेंटीमीटर कहाँ से आ रहा, कितना रुपया? 17 रुपया किलो चावल है, ये गरीब किसान के यहाँ का चावल है, 45 रुपया, 50-60 रुपये वाला नहीं है। अब आगे देखो, इसलिए इसलिए कितने का पूछा था, 9 kg चावल का मूल्य बराबर 9 × 17। अच्छा तो ये बात आप समझ में आई, ये वो लोग थे जो पहाड़ा नहीं जानते थे 17 का, उनको लगा कि 17 × 632 है ना, यही सही है ना। तो भैया पहाड़ा वाड़ा याद किए रहो यार, हाँ चलो ध्यान दो, पहाड़ा वाड़ा याद किए रहो, 17 × 153 होता है, 153 रुपया का 9 kg चावल मिलेगा। लेकिन ये बहुत पुराने ज़माना की बात थी, अगर आज के समय में सिर्फ प्रयागराज की बात करूं, सबसे थर्ड क्वालिटी का चावल लोगे, गंदा से गंदा, जिसको खा भी नहीं पाओगे, तब भी कम से कम 25 रुपया किलो मिलेगा, 25 रुपये किलो मिलेगा, उससे नीचे कोई चावल नहीं मिलेगा। और अगर अच्छा लेने चाहते हो, कम से कम खाने लायक, तो कम से कम आप 45-50 रुपये किलो लोगे, तब जाके वो मतलब ढंग का मिलेगा खाने लायक। ये हाल है महंगाई की ना, इसके जिम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग अनपढ़ गवार नेता मंत्री को सांसद भेज देते हैं और वो देश का कानून बनाते हैं, है ना। हम लोग जिताते हैं, राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, ये हम ही लोग की गलती है ना। चलिए भैया, इसमें तो दिखा नहीं रहा यार, मिस्टेक हो रहा है यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है। जो लोग चैनल नंबर 1 पे हैं उनको क्लियर नहीं दिख रहा है ना, ताहिर अली क्या है, दिख नहीं रहा क्लियर क्या आप लोग को? आप लोग को क्लियरिटी आ रही कि नहीं आ रही? एक मिनट रुक जाओ, सभी देखो जो इधर फाइट तो लोगों को दिख रहा है, उनको तो कुछ नहीं करना है। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ। हाँ बताइए, दिख रहा कि नहीं आप लोग को? भाई नैतिक जी दिख रहा है, मतलब हम ही को नहीं दिख रहा है का यार? हमारे फ़ोन में तो कुछ नहीं दिख रहा भाई, मैं आप ही लोग का वीडियो चलाया था इसीलिए। सबको क्लियर दिख रहा है? तो इसको हमसे ही कोई दुश्मनी थी का? जाने दो, छोड़ो, ठीक है, दिख रहा है। हाँ इधर दिख रहा है, मुझे पता है, जो चैनल नंबर 1 पर है उनको दिख रहा है, और सॉरी 3 पे, चैनल नंबर 3 पे अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसका जो कैमरा है, इसका जो सिस्टम है नया है। चैनल नंबर 1 पे मैंने पुराना लगाया है, क्योंकि उधर पुराने बच्चे हैं, तो जानते हो पुराने की कदर नहीं होती है। हाँ चलो देखो, अच्छा देखो, ठीक है, सवाल देखो ध्यान दो, ये आप कर लोगे ना। अच्छा एक और बताओगे क्या? हाँ थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, मज़ा आती ना चेंजिंग करने में। चलो ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं
कि 45% का मान बताओ तो क्या होगा। 45% का मान बताइए बच्चा लोग। चलो क्वेश्चन नंबर लिख लो 128, क्वेश्चन नंबर 128 लिख लो। हाँ 45% का मान बताओ। नैतिक जी आप बताओ, इधर साइड से बताओ, बच्चे सभी बच्चे बताओ, जवाब दो कितना आएगा। कुछ लोग फोन कर रहे हैं, इतने नालायक टाइप के हैं ना, डंडा की रहते जब तक उठा ना लोगे। और उनको पता है कि जब ये क्लास चलती है ना तो लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों एक में कनेक्ट होते हैं, उस समय दोनों एक में कनेक्ट होते हैं और फिर उस समय कोई भी हम कॉल नहीं रिसीव कर पाते हैं। आपके फ़ोन तो आ जाते हैं, हमें जान पता भी चलता है कि आ रहा है, लेकिन हम कभी उठाते नहीं हैं। चलो ठीक है, मैंने पूछा इसमें परसेंटेज है, इसका मान बताओ, दशमलव में मत बताओ यार, वही से बता दो सिंपल वाला बस। देखो ध्यान दो, 45% का अगर मान की बात करें बच्चा, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत लगा है, प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, इनको भाग कर लो, 5 से काटोगे 5 9 45, इसका जो सही उत्तर आएगा 9/20 आएगा। क्योंकि मैंने आपको भिन्न के रूप में ही पूछा था, मैंने दशमलव के रूप में नहीं पूछा था, सिर्फ फ्रैक्शन के फॉर्म में ही पूछा था। यार भाई मेरे को क्या नहीं दिख रहा है, यार हमारे सिस्टम में नहीं दिख रहा है, आप लोग कह रहे हो सही दिख रहा है। लैपटॉप में ही नहीं दिख रहा है का। अच्छा तो ये बात है, चलो ठीक है, तो ये 9/20 आएगा। इसी तरह से एक और देखो, दशमलव में मत बदलो, 129 नंबर मान लो इसको। ये बताओ 3/5% का मान, 3/5% का मान क्या होगा। चलो बच्चे जवाब दो बाबू फटाफट, 3/5% का मान क्या होगा। ठीक है बिल्कुल सही आ रहा है, मुझे पता है आप लोग गलत नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो। संदीप यादव जी क्या हो रहा है भाई साहब, सब ठीक चल रहा है ना। अगर मैं किसी का नाम ऐसे ले लूं बीच में ना, तो समझ लेना कि वो दूसरे ढर्रा पे जा रहा है, समझ लेना कि वो दूसरे ढर्रा पे जा रहा है, मैं उसको सिर्फ बुलाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो हम जानते हैं दशम प्रतिशत हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, मतलब 100/1 भी हो जाएगा, तो 3/5 गुणा ये 100/1 जो है 1/100 हो जाएगा, 3/500 आएगा ना। अरे परसेंटेज तो हटाना था यार, कमाल के इंसान हो यार तुम लोग, परसेंटेज का चिन्ह तो हटाना था ना भाई साहब। 3/5 को क्या करेंगे हम, परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, समझ में आया ना। ये कुछ लोग प्रतिशत में बदल दे रहे हैं, ये प्रतिशत लगा है बाबू साहब, भैया जी यहाँ प्रतिशत लगा, इसको हटाना है, लगाना नहीं। 60% वाले जो है ना वो दिमाग के थोड़ा आगे चल रहे हैं। मैंने पूछा यहाँ से परसेंटेज का चिन्ह हटा के मान बताओ, लगाना नहीं है। बिल्कुल सही है प्रियंका श्रीवास्तव, बिल्कुल राइट है, रविशंकर जी का भी सही है, रविशंकर ने अपने नाम के आगे PBR स्टडी वर्ड जोड़ा, इसके लिए इनको कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि हमारे फेवरेट स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट में अपने नाम के आगे PBR स्टडी लगाते हैं। चलिए तो आप लोग भी लगा सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो ये क्या आएगा, 3/500 आएगा। ऐसे पेपर में कर दोगे तो सारा फत्यानाश हो जाएगा, ऐसे एग्जाम में कर दोगे तो क्या होगा, क्या होगा फिर, सब गड़बड़ हो जाएगा यार। जहाँ तुमको लिखना है 3/500 वहाँ लिख दोगे 60% तो क्या होगा, सारा फत्यानाश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलो आगे देखो, अब क्या करोगे, अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान दो और भी क्या है उसको ध्यान से देखो, क्या है जैसे इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँ और आपसे एक चीज़ पूछूँ कि ये बताओ, ये 3/500 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है,
बताइए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है? नहीं, अनंत पांडे इंट्रोल नहीं होगा, डायरेक्ट छुट्टी होगी। बताइए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है? ये सम भिन्न है कि विषम भिन्न है? बोलो। देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है यार, तुम लोग हमेशा उल्टा दिमाग काहे लगाते हो। ये सम भिन्न है, विषम नहीं है। आधा से ज़्यादा लोग गलत बता रहे हैं। मतलब कब पढ़ोगे यार? बूढ़ा जाओगे, शादी वादी हो जाएगी, उसके बाद पढ़ोगे? लड़के बच्चों से पढ़ोगे का? अभी नहीं पढ़ोगे। ये प्रॉपर है, जब नीचे की गिनती बड़ी होती है ऊपर की छोटी होती है तो उसको शुद्ध मानते हैं, प्रॉपर भिन्न मानते हैं, सम भिन्न मानते हैं। हाँ, अरे इसको छोटा में समझ लो, काहे को बड़ा में जा रहे हो? अगर 3/5 है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चा, अगर 5/3 है तो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब जिसको मिश्र भिन्न में चेंज किया जा सके, जिसको मिश्रित भिन्न में चेंज किया जा सके, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया जा सके, वो इम्प्रॉपर होता है। जिसको मिश्र भिन्न में चेंज ना किया जा सके, यानी शुद्ध शुद्ध लिखी है तो वो प्रॉपर है, जिसे सम भिन्न बोलते हैं। समझ गए ना? तो लिख लो बच्चे, अब ये जान लो आप लोग क्या कह रहे हो। हाँ, आप लोग क्या कह रहे हो कि 10-5 मिनट बंद करके क्लास को कंटिन्यू किया जाए या फिर पूरा बंद कर दिया जाए, 9 बजे से फिर से शुरू किया जाए? बताइए, जवाब दीजिए। चलो, क्लास को बंद करके 9 बजे से फिर से शुरू किया जाए डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए, क्योंकि इसमें बच्चे की संख्या नहीं जुड़ रही। मुझे मजा नहीं आ रही, मुझे भी बंद करना ही सही लग रहा है। हाँ, जो अभी जुड़े हैं वो तो कहेंगे चलने दो, और जो शाम 6 बजे से पढ़ रहे हैं 2 घंटा हो गया, वो कहेंगे कि बंद कर दो ना। देखिए ये जो है ना भैया, ये एक स्पेशल क्लास है, मैराथन क्लास जो 3 घंटे की होती है, रोज नहीं होती है। ये रोज नहीं होती है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो मैं ही हूँ, क्योंकि 50-60 बच्चों को 3 घंटा पढ़ाने से क्या मतलब है? मुझे पता है गौरव सिंह अभी आप आए हो ना, इसीलिए तो बच्चे, तो आप लोग जोड़े नहीं हो, इंटरेस्ट है नहीं। ये क्लास पूरे 120 मिनट हो चुकी है, 2 घंटे हो चुकी है। जो बच्चे अभी अभी आए हैं ना, वो बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे क्लास जैसे अभी इंड होगी ना, तो स्क्रीन पे आएगा वाच रिप्ले, तो वाच रिप्ले पे क्लिक कर देना, फिर से 2 घंटा पढ़ लेना, पूरा क्लास क्लियर कर लो। अब आगे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बच्चे नहीं जुड़े हैं। मैं पढ़ाता 3 घंटे, मैंने प्लान बनाया था, लेकिन मैंने सोचा अगर पढ़ने वाले आएंगे तब ना, फालतू का यहाँ पे चिल्लाऊँ क्या मतलब है यार, एनर्जी ख़राब करूँ, कहीं कोरोना रोना पकड़ लेते हो, क्या मतलब है? और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो इस तरह से और भी फ्री की क्लास मिले, 2-2 घंटा 5-5 घंटा का पूरा मैथ यूट्यूब पे फ्री मिल जाए, तो आप क्लास को खूब शेयर कर देना जहाँ भी हो सके आपसे। हाँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह फैला देना आग की तरह। अगर अच्छा खासा व्यूज आएगा इस वीडियो पे, 2 घंटे का है, तो हम इस तरह के और भी वीडियो देंगे, नहीं आएगा तो कभी नहीं देंगे। हाँ ठीक है ना, तो इसको करना। और जो बच्चे रेगुलर क्लास चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से पीबीआर स्टडी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, पीवीआर स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे कि उनको सारी क्लास की लिंक मिल जाए। और उसके लिए क्या करेंगे, अगर जिनके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के अकाउंट बनाएंगे, जैसे व्हाट्सएप में बनता है। ये टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह एक चैटिंग मैसेंजर एप्लीकेशन है, उसमें जब बन जाएगा ऐप ना, मतलब रेडी हो जाएगा, तो पीवीआर स्टडी लिख देना ऊपर और सर्च कर लोगे तो चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जितनी भी क्लास अभी तक चली है, इसके पीछे भी 3-3 घंटे की कई क्लास हुई है, 2-2 घंटे की, वो सारी लिंक उसमें भेजी गई है। हाँ, सारी लिंक उसमें भेजी गई, आप जाके उनको पढ़ लेना, सब पढ़ लेना, मैथ लगभग क्लियर हो जाएगी, तो सभी बच्चे करेंगे। दूसरी बात, जो बच्चे मैथ का पूरा कोर्स एक साथ चाहते हैं, अच्छी तरह से प्रीमियम सर्विस चाहते हैं, वो प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, पीबीआर स्टडी ऐप आज ही डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, आपको इसमें पूरा मैथ अच्छे से मिल जाएगा, जल्दी से मिल जाएगा, फटाफट मिल जाएगा पूरा मैथ। हाँ, पूजा कुमारी क्या चाहते हैं कि मरे यहीं पे हम?
मतलब 5 बच्चे लेके बैठे रहे हैं भाई, काहे बैठे रहे हैं? और सब कुछ आप ही के हिसाब से तो नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, हमारी कोशिश होगी 9 बजे फिर से क्लास चलेगी डीएलएड वालों के लिए, 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद आप सभी आना, अगर जो भी रहेगा 9 बजे हम लाइव आएंगे जो भी रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी इस क्लास को खूब शेयर कर देना। 9 बजे आएंगे हम लोग, हाँ 9 बजे आएंगे, 9 बजे, हाँ 9 बजे आएंगे सेकेंड सेमेस्टर के लिए के, 9 बजे आएंगे, 9 बजे।